ठीक है, तो हम स्टार्ट करें पार्ट टू। एविडेंस एक्ट का तीन पार्ट में डिवाइडेड है। हमने रिलेवेंसी पढ़ लिया है। रिलेवेंसी के बाद हम बात करेंगे ऑन प्रूफ। ऑन प्रूफ जो है वो सेक्शन 56 से लेकर 100 तक जाता है। ठीक है, सेक्शन 56 से लेकर 100 तक, तो काफी स्पीडली भी कवर हो जाता है ये सेक्शन, ये जो एरिया है ऑन प्रूफ। क्वेश्चन भी आते हैं थोड़े मेन से कम है, लेकिन प्रीलिम से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं यहाँ से। ठीक है, मेन से क्वेश्चंस तो इतने ज्यादा नहीं आते हैं यहाँ से, लेकिन हाँ प्रीलिम्स के काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी करते हुए चलेंगे। तो अब हम स्टार्ट करें एविडेंस का पार्ट टू। स्क्रीन विजिबल है सभी को? और ये जो पार्ट है ऑन प्रूफ करके है कि अब कैसे सिद्ध की जाएंगी चीजें ऑन प्रूफ, और कवर करता है सेक्शन 56 से लेकर 100 तक। बहुत जल्दी हो जाता है ये पार्ट, क्योंकि मेन से क्वेश्चन नहीं है इसमें ज्यादा, तो मेन से नहीं आते, प्रीलिम्स से ही क्वेश्चन आते हैं, या बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, अगर बनते भी है ना मेन्स के, लेकिन ना प्रीलिम्स से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले जो 56 में आप टाइटल देखेंगे, 56 पे क्या लिखा है आपको, एक सेकेंड, 56 में ही लिखा है फैक्ट्स विच नीड नॉट प्रूव्ड। अब इसमें कई सारे चैप्टर हैं। पहला जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसमें चैप्टर नंबर, रिलेवेंसी तो हमने पढ़ लिया, अब चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 किससे डील करता है, फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड। ऐसे फैक्ट्स जिनको हमें सिद्ध नहीं करना, नीड नॉट बी प्रूव्ड। ठीक है, इसमें ये पढ़ेंगे। अब ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जिनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 56 से लेकर 58 तक। ठीक है, आज ये पढ़ेंगे और इसी के साथ कंटिन्यू हम करेंगे फिर ओरल एविडेंस को लेकर, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, तो आज का हमारा ये भी टॉपिक हो जाएगा, ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस कब दिए जाएंगे, डॉक्यूमेंट्री कब दिए जाएंगे, 59 और 60। ओरल एविडेंस डॉक्यूमेंट्री 60 से लेकर हम कवर करते हैं इसको, और 65B तक ही समझ लीजिए आप फिलहाल। ठीक है, 65B या 61 हो जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री की बात करेंगे तो 61 से 65B तक। और भी कुछ मिसलेनियस प्रोविजन है, वो है आपके 66 से लेकर, इसी में आके मिसलेनियस प्रोविजन है 66 से लेकर 67 ही तो कर लेंगे। उसके बाद फिर 67A के बाद 68 से लेकर 73 तक ये अटेस्टेशन स्टार्ट हो जाता है, किसी डॉक्यूमेंट को कैसे अटेस्ट करते हैं, तो उसके लिए कैसे उसको सिद्ध किया जाएगा। ठीक है, ये सेक्शन 68 से 73 हो गया, तो आज हम कोशिश करेंगे यहाँ तक अगर हो जाए 73A तक, तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारा। तो पहला हम जो चैप्टर नंबर 3 उसमें पढ़ेंगे, फैक्ट्स नीड नॉट बी प्रूव, सिद्ध करने की कोर्ट में जरूरत नहीं है। तो तीन सेक्शन है, फिर ओरल एविडेंस क्या होते हैं, फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब इसमें हम ये चीजें भी पढ़ेंगे कि जनरली ओरल से अगर नहीं होती है चीज, तो उसका क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया जा सकता है, या डॉक्यूमेंट है तो क्या ओरल एविडेंस दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, वो चीजें पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर ये 66 67 ये कुछ नोटिस वगैरह को लेकर है। ठीक है, बहुत आसान से ये भी प्रोविजन एंड अटेस्टेशन, किसी डॉक्यूमेंट को अटेस्टेशन की जरूरत है होती है या नहीं होती है, अगर होती है तो उसको कैसे सिद्ध किया जा सकता है, कितने विटनेस की जरूरत होगी, अटेस्टेटिंग विटनेस कितने चाहिए होते हैं। अच्छा, आप लोग बताइए किसी डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करने के लिए मिनिमम या मैक्सिमम कितने विटनेस चाहिए होते हैं। हाँ जी, बताइए, आप पढ़े हैं वैसे एविडेंस, सब सब लोगों ने पढ़ा ही होगा अपने नॉलेज के हिसाब से, कितने विटनेस चाहिए आपको। हाँ जी, दो से टू विटनेस चाहिए आपको। चलो, लेकिन अगर कोई डॉक्यूमेंट है, सपोज ये डॉक्यूमेंट है, ये एक डॉक्यूमेंट है, आपने देखा होगा लास्ट में यहाँ पर विटनेस के साइन होते हैं, यहाँ यहाँ पे या यहाँ पे कर लेते हैं, कई बार दो अलग अलग विटनेस के साइन होते हैं। अगर किसी डॉक्यूमेंट को सिद्ध करना है कंटेंट को, के डॉक्यूमेंट उस दिन एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है, तो कितने विटनेस को बुलाना जरूरी होगा अगर दो ना अटेस्ट किया है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी प्रोविजन है, एटलीस्ट एक विटनेस को बुलाना तो पड़ेगा ही।
और इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन में अगर वो भी मना कर दे कि एग्जीक्यूट नहीं हो तो कैसे सिद्ध किया जाएगा, ये कोई मेंस का क्वेश्चन नहीं है। पहली बार मेंस में तो आता नहीं, लेकिन अब प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है। और रही बात इसमें भी मेंस का क्वेश्चन नहीं आता है, प्रीलिम्स के आते हैं, लेकिन हाँ ओवरऑल डॉक्यूमेंट्री को लेके शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है मेंस में। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं फैक्ट विच नॉट नीड टू बी प्रूव्ड, सेक्शन 58 से लेकर 56 एंड 58। कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिसको हमें सिद्ध नहीं करना, नीड नॉट बी प्रूव्ड। सेक्शन 56 से लेकर 58, यानी तीन ही सेक्शन है, ऐसे सेक्शन है जिसमें हमें चीजें सिद्ध नहीं करनी है। अब कौन सी चीजें है जिसको हमें सिद्ध करने की जरूरत नहीं है? सेक्शन 56 कोर्ट में हमें बात सिद्ध करने की जरूरत है ही नहीं। क्या क्या हो सकते हैं? पहली बात, एक बेसिक रूल है। बेसिक रूल क्या कहता है? जितने भी फैक्ट्स आप कोर्ट में लाते हैं ना, यू हैव टू प्रूव इट, आपको सिद्ध करना है। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इस बेसिक बात के। एक्सेप्शन क्या है? 56, 57 और 58, इन चीजों को सिद्ध नहीं करना है। वो कौन सी बातें हैं? सबसे पहला है सेक्शन 56, फैक्ट्स, ऐसे फैक्ट्स जिनका जुडिशियली नोटिसेबल है। फैक्ट्स, ऐसे फैक्ट जो जुडिशियसली नोटिसेबल है, ठीक है, यानी जिसको जुडिशरी खुद नोटिस कर सकती है। फैक्ट जुडिशियली नोटिशियबल नीड नॉट बी प्रूव्ड, इनको सिद्ध नहीं करना। ये बेसिक बात की गई है कहां पे? सेक्शन 56 में। यानी जिसका कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले सकती है उस बात को सिद्ध नहीं करना होता है। लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए जुडिशियल नोटिस होता क्या है। जुडिशियल नोटिस क्या होता है? पहली बात, सेक्शन 57 के अंदर ऐसे 13 चीजें लिखी है, 13 थिंग्स, ऐसे 13 फैक्ट्स बताए गए हैं, लिस्ट लिखी गई है, देयर इज अ लिस्ट, जिसमें कोर्ट को दूसरी पार्टी से या अपोजिट पार्टी से ये बात कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस बात को कोर्ट में सिद्ध कीजिए। और जो ऑलरेडी कोर्ट में मान सकती है, कोर्ट देख सकती है, समझ सकती है अपना माइंड लगा के, ठीक है, जो चीज फैक्ट है, जिसको एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है। तो कोर्ट कुछ ऐसा 13 बातें लिखी हैं जिनका जुडिशियली नोटिस ले सकती है। जुडिशियल नोटिस क्या होता है? जिसको कोर्ट खुद रिकॉग्नाइज कर सकती है, ठीक है, जिसको खुद कोर्ट रिकॉग्निशन ले सकती है विदाउट प्रूफ ऑफ समथिंग। अच्छा एक बार बताइए, सलमान खान का बॉडीगार्ड कौन है? शेरा का बॉडीगार्ड है। तो शेरा जो है ये सलमान खान का बॉडीगार्ड, इस बात को सिद्ध करना पड़ेगा क्या कोर्ट में? कोर्ट खुद अपना अंदाजा लगा सकती है, कोर्ट देख सकती है ना, जुडिशियबल नोटिसेबल है ये। क्या बुर्ज खलीफा की हाइट 825 मीटर है, इस बात को सिद्ध करना पड़ेगा क्या? क्या जो ताजमहल है वो आगरा में है, इस बात को सिद्ध करना पड़ेगा क्या? लाल किला शाहजहां ने बनवाया, कब बनवाया? 1600, कब बनवाया? 39 में बनाया था क्या? रेड फोर्ट, क्या इस बात को सिद्ध करना पड़ेगा? तो कोर्ट जिस जिसका नोटिसेबल ले सकती है, देखो एक लिस्ट है, ये 13 चीजें लिखी हैं, इसके अलावा भी तो कुछ और फैक्ट हो सकते हैं जिसको कोर्ट में सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने ये लिखा था, जो डॉग है वो पेट एनिमल है, क्या इस बात को सिद्ध करना है? नहीं करना। क्या एक जो टाइगर है, लायन है, वो वाइल्ड एनिमल, इस बात को तो सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। एक कैमल जो है वो एक कैमल कैसा एनिमल है, पेट है या फिर वाइल्ड है? हाँ जी बोलिए। डोमेस्टिकेटेड किया जा सकता है, तो ये पेट एनिमल हो गया। अभी बताऊंगा, अभी केस बताऊंगा।
तो कुछ ऐसी चीज है जहां पर कोर्ट अपने आप जुडिशियल नोटिसिएबल नोटिस कर सकती है उन चीजों का, तो वहां हमें चीज सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है। इसका मतलब है द कोर्ट कैन टेक अ रिकॉग्निशन विदाउट प्रूफ ऑफ समथिंग, जिस चीज को हमें सिद्ध नहीं करनी है, और कोर्ट खुद कॉग्निजेंस ले सकती है कि वो अस्तित्व में है या नहीं है। ठीक है, तो जिसका कॉग्निजेंस कोर्ट खुद ले सकती है, कोर्ट इटसेल्फ टेक इट। ठीक है, तो उस बात को सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है कोर्ट में। यानी इसको आप कह सकते हैं जो बात क्लियरली एस्टैब्लिश है। आपको मेरी आवाज आ रही है या हमने हर्षना? जो क्लियरली एस्टैब्लिश फैक्ट है उस बात को सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है। बात समझ में आ गई? अब एक बात मुझे बताइए, क्या न्यूज़पेपर जो है, न्यूज़पेपर में कुछ खबर छपी है, न्यूज़पेपर में कुछ भी खबर छपी है, क्या वो कोर्ट उसका जुडिशियल नोटिस लेगी? नो। व्हाई? सो बिकॉज़ इट इज नॉट रिलायबल। इट्स नॉट रिलायबल। दूसरी चीज मिर्च मसाला डाल के करते हैं वो, है ना? और न्यूज़पेपर जो है वो हियर से एविडेंस होता है। न्यूज़पेपर जो है वो कानों सुनी बातें को लिखता है डायरेक्ट। हाँ, कहीं उसे बात सुनी के या मर्डर हो गया तो वही छाप देते हैं। हियर से एविडेंस इसलिए रिलायबल नहीं है, तो कोर्ट जुडिशियल नोटिस नहीं लेगी न्यूज़पेपर का। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, 100% क्वेश्चन आता है इस पे। तो इनएडमिसिबल हो जाएगा, कोर्ट इस बात का जुडिशियल नोटिस नहीं लेगी। सेक्शन 57 में भी हम पढ़ रहे हैं कि कोर्ट किस किस चीज का जुडिशियल नोटिस ले सकती है। बैरेट भी पढ़ेंगे, पहले बेसिक बातें पढ़ लेते हैं। अब एक केस लिखना, एमसी क्वेकर वर्सेस गोडार्ट वर्सेस गोडार्ट। ठीक है, ये केस है एमसी क्वेकर वर्सेस गोडार्ट। इसमें क्या हुआ, इसमें कहा गया कि जो कैमल होता है इज नॉट अ वाइल्ड एनिमल। लिख लीजिए, पेपर में आया हुआ है कई बार, क्या ऊंट एक जंगली जानवर है या नहीं है, तो ये बात की गई थी एमसी क्वेकर में। आपको ना एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कोर्ट किस बात का जुडिशियल नोटिस नहीं लेगी या लेगी। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये बात। क्या आगे चल रहे? देखो, आपको कोर्ट में सारी बातें तो सुननी है, लेकिन हर बात सिद्ध करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोर्ट कुछ समझदार है, खुद देख सकती है। ओके, तो ये मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ सेक्शन 57 के अंदर कौन कौन सी चीज को कोर्ट खुद नोटिस ले लेगी, कौन कौन सी चीज का ले लेके पढ़ते हैं। चलो यहाँ हमने पढ़ने स्टार्ट कीजिए, पहले 56 पढ़िए, 57 पढ़िए। ओके सर। That judicially noticeable need not be proved. No fact of which the court will take judicial notice need to be proved. अच्छा, एक बात है, जो 56 में लिखा है सिर्फ एक बेसिक सी बात लिखी है, करने को तो ये 56 को सेक्शन को बनाते ही नहीं, 57 में लिख देते कि कुछ बातों का कोर्ट जुडिशियल नोट लेगी और उस बात को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। अब 57 में क्या लिखा हुआ है कि कौन कौन सी चीजों का कोर्ट जो है जुडिशियल नोटिस ले लेगी। फैक्ट ऑफ द कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस, पर इसको पढ़ना है एक बार और आपको आइडिया भी लग जाएगा। कोर्ट शैल टेक अ जुडिशियल नोटिस ऑफ, किन किन का जुडिशियल नोटिस लेगी, उन बात को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। क्या आईपीसी के धाराओं को सिद्ध करने की जरूरत है क्या? No. क्या कॉन्ट्रैक्ट जो सेक्शन 11 है वो कहता है कि माइनर कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, क्या इस बात को कोर्ट में सिद्ध करने की जरूरत है क्या? No. अब पढ़िए इसको, यहाँ हमने सारे जो प्रोविजन है ना, एक से लेके स्टार्ट कीजिए। ओके सर। ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जितने भी कानून इंडिया के टेरिटरी में चल रहे हैं, नॉट नीड टू बी प्रूव्ड। ऑल पब्लिक एक्ट्स पास्ड और हियरआफ्टर टू बी पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम एंड ऑल लोकल एनफोर्समेंट एक्ट्स डायरेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम टू बी जुडिशियली नोटिस्ड।
यूके के अंदर इसलिए क्योंकि पुराने लॉज बने हुए हैं तो तब का भी है, लेकिन ये इंडिया के, ये इंडिया में कोई भी एक्ट पास होता है, लोकल एक्ट पास हुआ, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। यूपी पंचायती राज एक्ट को सिद्ध करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है। चलो नेक्स्ट, आर्टिकल्स ऑफ वॉर फॉर द इंडियन आर्मी नेवी और एयरफोर्स। इन्होंने कुछ अपने रूल्स रेगुलेशन आर्टिकल्स बना रखे हैं, उनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। The course of proceeding of Parliament of the United Kingdom, of the Constituent Assembly of India, of Parliament and of the legislatures established under any laws for the timing and course in a province or in the states. ठीक है, तो पहले क्या होता था, सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती थी, तो उनके द्वारा जो भी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग है या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की जो भी प्रोसीडिंग रही थी उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। The accession and the sign manual of the sovereign for the timing of the United Kingdom of Great Britain and Ireland. Accession यानी किसी टेरिटरी को जो हमने मिला लिया तो उसमें साइन किया गया, उस मैनुअल को लेकर हमने किसी की सॉवरनिटी छीन ली या दे दी, उस चीज को सिद्ध करने की जरूरत नहीं क्योंकि डॉक्यूमेंट है उसमें। All seals of which English courts take judicial notice, the seal of all the courts in India and of all courts out of India is established by the authority of the central government or the crown representative. The seals of court of admiralty and maritime jurisdiction and of notaries public and all seals which any person is authorized to use by the constitution or an act of parliament of the United Kingdom or an act or regulation having the force of law in India. Seal का मतलब यहाँ stamp। तो स्टैम्प तो कई अथॉरिटीज की हो सकती है, जैसे कोर्ट के स्टैम्प होती है गोल चक्कर से बना होता है, उसमें अशोक चिन्ह के बारे में भी स्टैम्प होता है वो। एडमिरलिटी होती है, जैसे हम जब हमारा ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो जब वहाँ पे समुद्री जहाज के जरिए सारे काम होते थे तो एडमिरलिटी वहां के लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाई गई थी, कोर्ट ऑफ एडमिरलिटी और मैरीटाइम। ठीक है, ये दोनों उसी तरीके के क्वेश्चन, उसमें जैसे पायरेसी हो रही है, चोरी अटैक कहते अगर होते तो एडमिरलिटी जुरिक्शन आता था। और इंडिया के अंदर जो भी छोटी मोटी जो भी कोर्ट्स बनी है, नोटरीज भी अगर जो करते हैं लोग, वो एक कहीं ना कहीं अथॉराइज है कि उनके स्टैम्प कम से कम जेन्युइन ही होगी, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कोर्ट में। सर, इसीलिए एफिडेविट को प्रूव नहीं किया जाता। नहीं नहीं, एफिडेविट का वो लॉजिक नहीं है, एफिडेविट ये बात एफिडेविट की नहीं कर रहा है। एफिडेविट में तो आप जो लिख रहे हैं वो कंटेंट होता है, लेकिन एफिडेविट पे जो नोटरी के स्टैम्प है ना वो आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि भाई ये जेन्युइन है या नहीं है। लेकिन एफिडेविट के अंदर कंटेंट जो लिखेगा वो बात तो सिद्ध करनी ही पड़ेगी ना। हाँ जी, बढ़िया आगे। The accession to office names, titles, functions and signatures of the persons filling for the time being any public office in any state, if the fact of their appointment to such office is notified in any official gazette. अब ये भी बात सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि भाई किसी को अपॉइंटमेंट हुआ कि वो ऑफिशियल लेटर ठीक है, जेन्युइन है या नहीं है। ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट डिस्प्यूटेड है तो डेफिनेटली इट शुड बी प्रूव्ड, बट उसके ऊपर जो ऑफिस का नाम टाइटल प्रिंटेड है दैट नॉट नीड टू बी प्रूव्ड, यानी कोई स्टैम्प्ड है तो। Next, पढ़िए। The existence, title and national flag of every state or sovereign recognized by the government of India. अब हर किसी के फ्लैग को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हर किसी को रिकॉग्नाइज, जुडिशरी उसका नोटिस ले सकती है, हाँ ये तो इंडिया का फ्लैग है। ठीक है, इंडिया का टाइटल जैसे रिपब्लिक ऑफ, जैसे ये भी देख सकती है रिपब्लिक ऑफ चाइना किसको कहा गया है, इस बात का नोटिस ले सकती है कोर्ट। नेक्स्ट पढ़िए। The divisions of time, the geographical divisions of the world and the public festivals, fasts and holidays notified in the official gazette. अब ये सारी चीजें, कई चीजें हैं जैसे ऑफिशियल गजट में आ जाती है, हमारी छुट्टियां कब कब होंगी, फेस्टिवल कौन से होंगे, हमारी ज्योग्राफिकल प्लेसमेंट कहाँ पर है, हमारे कंट्री में कितना टाइम बचा है, इस चीज का जुडिशियल नोटिस ले सकती है कि कोई इंसान यहाँ पे था तो टाइम दूसरी कंट्री में कितना टाइम रहा होगा। ठीक है, ये तो सिद्ध करने की जरूरत नहीं है ना। अब जैसे आपको मैंने बताया ज्योग्राफिकल डिवीजन की बात बताई, तो मैप अगर बनते हैं, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ना नेपाल ने जो ये काला पानी वाली जगह थी उसको अपने मैप में दिखा दिया और वहां पे टेलीकास्ट भी करना स्टार्ट कर दिया, वहां की ज्योग्राफिकली जो ये वहां का
क्लाइमेट कैसा है उस चीज के बारे में न्यूज में भी आने लगी थी. तो ऑफकोर्स वो तो डिस्प्यूटेड रहेगा, इंटरनेशनल मुद्दा रहेगा, लेकिन अगर मैप वगैरह है उन चीज का भी कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले सकती है. आगे पढ़िए. The territories under the dominion of the government of India. इंडिया की कितनी स्टेट्स रहेंगे, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं. नेक्स्ट. The commencement, continuance and termination of hostilities between the government of India and any other state or body of persons. किसी दो कंट्रियों के बीच में इंडिया के साथ कब उनकी दुश्मनी रही, कब उनमें टर्मिनेशन हो गई हॉस्टिलिटीज यानी दुश्मनी खत्म हो गई, इस बात का जुडिशियल नोटिस लिया जा सकता है. जैसे जो जो हमारे 1962-65 और 71 की लड़ाई लड़ी गई और भी जो चीज इंसिडेंट हुआ उसका जुडिशियल नोटिस लिया जा सकता है. नेक्स्ट. The names of the members and officers of the court and of their deputies, subordinate officers and assistants, and also of all officers acting in execution of its process, and of all advocates, attorneys, proctors, vakils, pleaders, and other persons authorized by law to appear or act before it. अब of course judges के लिए तो special stamp भी बनी होती है. जब वो किसी document पे अपनी stamp लगाते हैं, तो उस बात का court judicial notice ले सकती है. Officers हो गए. और इनफैक्ट जो अटॉर्नीज वकील हैं, अगर उनका वकालत नामे पे साइन है, उन चीजों का भी जुडिशियल नोटिस ले सकती है. एडवोकेट्स की डायरेक्टरी बनी होती है, बार काउंसिल में नाम रजिस्टर्ड होता है, तो उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं. वो डॉक्यूमेंट अपने आप में एक सफिशियंट होता है जिससे कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले सकते कि हाँ अगर इसको लाइसेंस मिला है तो ये एडवोकेट होगा. ठीक है, आगे चलते हैं. द रूल ऑफ द रोड ऑन लैंड और एट सी. ठीक है, जो मैप वगैरह होगा उसके भी जुडिशियल नोटिस ले सकती है कोर्ट, या उसके नियम जो रूल्स रेगुलेशंस है. ओके, अब यहाँ पे लिखा है, मैंने कहा 13 चीजें, तो 13 अब ये लिस्ट जो है, ये लिस्ट जो है एग्जॉस्टिव नहीं है. इट्स नॉट एग्जॉस्टिव. मैंने अब जैसे कहा कैमल इज नॉट अ वाइल्ड एनिमल, वो केस हुआ तो उस पर फैक्ट निकल के आया. तो कई चीजों का कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले सकती है. तो लिस्ट is not exhaustive, but इसमें और भी चीजें add की जा सकती है. In all these cases and all also on the matter of public history, literature, साहित्य को लेकर, science को लेकर, art को लेकर, the court may resort for its aid to appropriate book or document of reference. तो public history, literature को लेकर, science को लेकर भी court कई किताबों को देख सकती है जिनमें उनका व्याख्या वर्णन हुआ हो. ठीक है, the if the court is called upon by any person to take judicial notice of any fact, it may refuse to do so unless and until such person produces any such book or document as it may consider necessary to enable it to do so. Agar court ko lagta hai, if the court is called upon by any person to take judicial notice of any fact, it may refuse to do so unless and until such person produces any such book. Dekho, court agar koi cheez likhi gayi hai kitab mein, document mein, तो जब तक वो किताब और डॉक्यूमेंट ही नहीं लाई जाएगी तो कोर्ट ऑफ जुडिशियल नोटिस को मना भी कर सकता है. तो एटलीस्ट दे मस्ट बी सर्टेन, ऐसा नहीं कि हवा में बात कर दी जाए. जिस चीज को लेकर कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले रही है, कम से कम उसका कोई आधार बेस तो हो, पर्टिकुलरली बुक्स वगैरह के लिए. ठीक है, अगर कोई हमें देखना है कि हिस्ट्री में कि लाल किला किसने बनवाया, ठीक है, या फिर ताजमहल किसने बनाया, तो कम से कम ऐसे डॉक्यूमेंट्स हो जहाँ पे इस बारे में बात की गई हो कि हाँ इस दौरान ये अब जो कोर्ट है वो उस वक्त तो नहीं थी, तो उसमें कोई किताब में किसी चीज में किसी डॉक्यूमेंट में लिखा होगा, तो उस चीज का जुडिशियल नोटिस लिया जा सकता है. ये बेसिक चीजें थी. अब आता है सेक्शन 58. सेक्शन 58 में कहता है फैक्ट एडमिटेड. अब एक बात आप मुझे बताइए, अब जब आप खुद एक एडवर्स पार्टी होने के बाद आप किसी बात को अपनी प्लेंट में या अपने WS में एडमिट ही कर रहे हैं, तो क्या वो बात मुझे दोबारा सिद्ध करने की जरूरत है? नहीं सर. हाँ जी बोलिए सीमा हर्षना. अगर जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने एक दावा डाला, सूट डाला, मैंने एक दावा डाला कि मुझे सीमा से 10,000 रुपए लेने हैं, या मैं कह रहा हूँ सीमा मेरे टेनेंट है, किराएदार है, और सीमा अपने WS में कह रही है कि हाँ मेरे को किराया देना है, या सीमा ये कहती है कि हाँ मैं इंद्रजीत सर की टीनेज हूँ, तो क्या ये बात सिद्ध करने की जरूरत है कि सीमा इज माई टीनेज? नो सर. नो सर. क्या हुआ, टाइम ही तो खराब होगा कोर्ट का. तो जो ऑलरेडी सीमा एडमिट कर चुकी है,
प्रूव करने की जरूरत नहीं है. तो नो फैक्ट नीड टू बी प्रूव्ड इन एनी प्रोसीडिंग विच द पार्टी इज देयर टू और देयर एजेंट. अब ऐसा नहीं है कि पार्टी की नहीं, सिर्फ उनके एजेंट भी एडमिट कर सकते हैं बातों को. ठीक है, आपने सुना था ना सिविल केस में एडमिशन कर सकता है एजेंट भी. कौन से सेक्शन की बात कर रहा हूं मैं? पार्टीज टू द सूट, देयर एजेंट, पेक्यूनरी इंटरेस्ट हो, ड्राइव्ड करता हो, ये सारी बात करनी पड़ी थी. 18, 18. जी बिल्कुल, याद करो पीछे सेक्शन भी. ठीक है, तो वो उसकी जो पार्टीज हैं, पार्टीज टू द सूट या देयर एजेंट एग्री टू एडमिट एट द हियरिंग, जब कार्यवाही कोर्ट में चल रही है, और विद बिफोर हियरिंग या सुनवाई से पहले. सुनवाई से पहले क्या हो सकता है, क्या पता उन्होंने WS में रिटर्न स्टेटमेंट में एडमिट कर लिया हो कि हाँ मैं इनका टेनेंट. जब एक आदमी कह ही रहा है मैं इनका टेनेंट हूं, तो डू आई हैव टू प्रूव कि आई एम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी? नॉट नीड टू प्रूव. दे एग्री टू एडमिट बाय एनी राइटिंग अंडर देयर हैंड, या अपनी किसी लिखित में वो राइटिंग दे रहे हैं, और विद एनी रूल ऑफ प्लेडिंग इन द फोर्स ऑफ टाइम दे आर डीम्ड टू हैव बीन एडमिटेड बाय देयर प्लेडिंग. डीम्ड टू हैव बीन एडमिटेड यानी इस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट लिखी है, अपना रिप्लाई दिया है, उससे पता लग रहा है कि यू आर अ टेनेंट. ठीक है, अगर मैं एक लैंडलॉर्ड और टेनेंट की बात कर रहा हूँ, प्रोवाइडेड द कोर्ट में, अगर कोर्ट को लगता है, लेकिन फिर भी ये कह रहा है कोर्ट को, देखो किसी भी चीज को जब तक कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं है सब चीज बेकार है. और इसलिए चाहे कोई इंसान एडमिट भी कर ले कि हाँ आई एम अ टेनेंट, मेरे को पैसा पे करना है, एडमिट कर रहा है अपनी बात को, अगर कोर्ट कन्विंस नहीं है, द कोर्ट में इन इट डिस्क्रिशन रिक्वायर फैक्ट एडमिटेड टू बी प्रूव अदरवाइज देन बाय सच एडमिशन. तो कोर्ट कह सकता है कि ठीक है मैं आई एम नॉट कन्विंस, यू हैव टू प्रूव इट. बट जनरली कोर्ट ऐसा नहीं करता. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कोर्ट पे टाइम खराब होगा. ठीक है, इसमें बहुत कुछ है नहीं इन सेक्शंस में, तीनों सेक्शंस में बहुत सिंपल से हैं. भाई इसमें आपको ये ध्यान रखना है सेक्शन 58 में कौन कौन एडमिट कर सकता है, पार्टीज और देयर एजेंट. मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में. सर, कैन इट बी सेड दैट दिस सेक्शन अप्लाइज ऑन सिविल मैटर्स ओनली? हाँ जी, मैं उसी पे ही आ रहा हूँ, सिविल सूट्स ओनली. ओके, देखो बेसिकली क्या है सेक्शन 58 पे ना, ये क्वेश्चन एमसीक्यू का भी बन सकता है. पहली बात, जो पार्टीज है, पार्टीज टू द सूट, अगर उन्होंने एडमिट कर लिया है, और दूसरा आता है एजेंट्स. अब ये कौन, दोनों एडमिट कर सकते हैं बात को, उसको सिद्ध करने की हमें कोर्ट में जरूरत नहीं होगी. कब कब? एट द हियरिंग, हियरिंग के दौरान, और एडमिटेड इन राइटिंग, बिफोर भी हो सकता है. ठीक है, बिफोर हियरिंग, और एग्री टू एडमिट, इसमें बिफोर में एग्री टू एडमिट, वो सहमत हो गए कि ये बात हम एडमिट करेंगे लिखित में, इन राइटिंग, और डीम टू बी एडमिटेड, डीम टू बी एडमिटेड. डीम टू बी एडमिट क्या मतलब है? जैसे प्लीडिंग में उन्होंने अपने कह दिया कि हाँ, प्लीडिंग क्या होती है? प्लीडिंग दो होती है, तो प्लेन होता है और एक होती है WS. प्लीडिंग का ऑर्डर क्या है? आई एम श्योर सबको याद होगा. प्लीडिंग जनरली CPC बताइए, ऑर्डर नंबर 6. अरे ऑर्डर नंबर 6, 7 और 6, 7 स्क्रीन पे. ऑर्डर नंबर 6 प्लीडिंग जनरली, प्लेन. ऑर्डर नंबर 7 WS 8. ठीक है, 6, 7, 8. तो डीम टू बी एडमिटेड मतलब अगर किसी इंसान ने अपनी प्लीडिंग में ही एडमिट कर लिया है किसी बात को, तो डीम्ड हो गया. एट द हियरिंग, कोर्ट के सामने आके कहता है कि हाँ मुझे पैसा देना है. जब वो कह ही रहा है कोर्ट के सामने, तो उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है. और बिफोर, कई बार ऐसा हो सकता है आदमी एग्री हो जाए कि हाँ मैं फ्यूचर में इस बात को एडमिट कर लूंगा, और लिखित में दे देता है. ठीक है, तो तीनों सिचुएशन हो सकते हैं, बिफोर, एट और प्लेंट के अंदर. इसके बाद भी कोर्ट को अगर लगता है, वैसे कोर्ट करता नहीं है अक्सर, कोर्ट में आस एनी पार्टी टू प्रूव, सिद्ध करो. लेकिन कोर्ट ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि कोर्ट के पास इतना टाइम का है कि जो आदमी कह रहा है कि हाँ मुझे पे करना है, फिर भी कोर्ट ऐसा नहीं कहेगा कि भाई हाँ एक काम करो, आप सिद्ध करो क्यों पे करना है.
ठीक है, और ये बात ध्यान रखना ये जो सेक्शन है अप्लाई करता है ओनली सिविल सूट्स, सिविल सूट्स ओनली। अब इसका लेकिन एक एक्सेप्शन भी है सिविल सूट के अलावा, इसका एक एक्सेप्शन भी है, प्ली ऑफ गिल्ट। ठीक है, अगर प्ली ऑफ गिल्टी क्या होता है, हाँ जी, When the accused accepts his guilt. कौन सा सेक्शन है? सर एडिशन हुआ है ये, एक मिनट, ए है समथिंग है, 265 है अगर, 265 और एल, ठीक है, प्लेड गिल्टी, प्ली बार्गेनिंग, उसमें प्लेड गिल्टी करता है अपने आप को, ठीक है, तो सिर्फ उस सिचुएशन में वहां अप्लाई हो सकता है ये सेक्शन, अदरवाइज कहीं अप्लाई नहीं होगा, नॉट टू द क्रिमिनल ट्रायल, ठीक है, सिविल सूट ओनली, नॉट टू द क्रिमिनल ट्रायल, एक्सेप्शन इज ओनली प्ली ऑफ गिल्टी। जब इंसान अपना दोष मान ही रहा है तो कोर्ट कहेगी कि इस बात को सिद्ध किया जाए, ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने, हाँ जी बताइए, कमान तो फैक्ट नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, कितने सेक्शन है जल्दी से बताइए, फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, कौन कौन सी बातों को सिद्ध नहीं करना पड़ेगा, ऑल द लॉस लॉस ऐसे लिख लेना पहले, 56 के अंदर आ गया जुडिशियल नोटिस, बेसिक बात कर रहा है सेक्शन, इसमें 13 बातें हैं 58 के अंदर एडमिटेड, बस खत्म हो गए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इसमें से एक क्वेश्चन बनता है, एक वो कैमल वाला बन जाएगा क्वेश्चन, वो आता ही है कई बार आता है, ठीक है, और एक और मैंने बताया था कौन सा था वो एमसीक्यू का जो क्वेश्चन बनता है, हमारे तीनों सेक्शन, लेट्स प्रोसीड फर्दर, हटा दो इसको, अब आता है यहाँ से, अब हम किसी चीज को सिद्ध कैसे करेंगे, मोड ऑफ प्रूफ, अब आती है चीज कैसे सिद्ध किया जाएगा। अब आप मुझे बताइए किसी भी चीज को अगर आपको, हमने रिलेवेंसी पढ़ लिया क्या क्या चीज रिलेवेंट है, अच्छा हर रिलेवेंट चीज एडमिसिबल होती है क्या? नो सर, कौन सी चीज रिलेवेंट है, अब कोर्ट एडमिसिबिलिटी भी तो देखेगी भाई, हम इसको एडमिट करें या ना करें, देन ओनली इट वुड बी अ रिलेवेंट रहेगी लॉ के लिए। कई बार ऐसी चीजें हो सकती है जो रिलेवेंट तो है लेकिन एडमिसिबल नहीं है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे कन्फेशन हो गया बिफोर दी पुलिस ऑफिसर, या पुलिस कस्टडी में किया गया, वो हम बेसिक पढ़ चुके, तो हमने ऑलरेडी रिलेवेंसी पढ़ ली है, रिलेवेंसी होती है 5 से 55 तक, रिलेवेंसी के बाद हमने पढ़ना है अब किसी चीज को सिद्ध कैसे किया जाए, मोड ऑफ प्रूफ क्या रहेगा, किसी बात को कैसे सिद्ध किया जाए, आप बताइए, आप जो अपनी बात कह रहे हैं कि ए ने बी को मारा, ए ने बी को बीट किया, ये कैसे सिद्ध करोगे कोर्ट में, ए ने बी को मकान बेचा, ठीक है, उसने हाउस बेचा, सेल किया, हाउ यू विल प्रूव इट, दोनों बातों को कैसे सिद्ध करोगे, कौन बताएगा, सर इन द फर्स्ट सिचुएशन बाय ओरल एविडेंस एंड इन द सेकंड सिचुएशन बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, बिल्कुल ठीक है, तो किसी चीज को सिद्ध करने के लिए या तो ओरल एविडेंस दिए जा सकते हैं या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए जा सकते हैं, यही तो हमें पढ़ना है आज की क्लास में। अब ओरल एविडेंस कैसे दिया जाता है, जामनी ओरल एविडेंस कैसे दिया जाएगा, so it has to be direct. अब वो तो ठीक है लेकिन कैसे दिया जाएगा, घर बैठे बैठे हो जाएगा, so by witnesses, through testimony. By producing witness, ठीक है? उस विटनेस को हम कोर्ट में लेके आएंगे, वो बताएगा ना, अब विटनेस क्या कहेगा कि जनाब मैंने ये देखा, जनाब ये मैंने सुना, जनाब ये मैंने परसीव किया, ठीक है,
यही तो हो सकता है, और क्या हो सकता है इसके? ओपिनियन. देयर आर द टू वेज जैसे हम किसी चीज को साबित कर सकते हैं, एक होता है ओरल एविडेंस, एक होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. ठीक है, किसी भी चीज को सिद्ध करने के लिए या तो ओरल एविडेंस दिए जा सकते हैं या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, एक डॉक्यूमेंट लाया जा सकता है कोर्ट में. ओरल एविडेंस क्या होता है? बाय प्रोड्यूसिंग विटनेस. विटनेस कौन है? जिसने वो उस डॉक जो कोर्ट में आके गवाही देता है. और विटनेस किस चीज की देगा? वो गवाही किस बात की देगा? या तो उसने देखा होगा, माइट हैव सीन कुछ चीज होते हुए, सुना होगा डायरेक्टली, या परसीव बाय सेंसेस, अपनी सेंसेस से उसने जैसे स्मेल किया उसने कि उस दिन गैस लीक हुई थी, उसे भी इम्पैक्ट पड़ा कि हाँ उसको गैस से उसकी हत्या हुई, तो उस बात का, या आई मीन डेथ तो नहीं, अगर इनकेस कोर्ट में वो दे सकता है कि अब गवाही के हाँ उस दिन उस तरीके की स्मेल आई थी, तो विद दी परसीव या सेंसेस से को लेकर भी वो कोर्ट में आके अपनी गवाही दे सकता है. ठीक है. और रही बात डॉक्यूमेंट की, डॉक्यूमेंट जैसे हम कुछ चीज लिखते हैं, ए ने बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, जैसे घर बेचा, तो ऑफकोर्स सेल डीड बनाई गई होगी या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई गई होगी, तो इसको भी हम कोर्ट में पेश कर सकते हैं फॉर प्रूविंग, इसी बात को सिद्ध करने के लिए कि ए ने बी को मकान बेचा. या तो गवाही ओरल एविडेंस हो सकती है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. ठीक है, अब हम बात करेंगे ओरल एविडेंस. अच्छा, आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के जरिए भी बात सिद्ध की जा सकती है. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जैसे कोई मैसेज हो गया, चाहे वो व्हाट्सएप हो चाहे फेसबुक हो, इनकी भी ऑथेंटिसिटी है आज के टाइम में, क्योंकि आजकल जो हम सारे ट्रांजेक्शन, ऐसा तो नहीं है कि हर चीज को लिख कर ही करते हैं. अगर हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसका कोई डॉक्यूमेंट भी आता है, फी रिसीट से जैसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ जाती है, दैट कैन ऑल्सो बी कवर्ड एज अ डॉक्यूमेंट. कोर्ट में बुला सकते हैं कि मैंने इस तारीख को इतनी पेमेंट करी, इस बात का इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड निकालकर डॉक्यूमेंट दिया जा सकता है कोर्ट में. यामिनी और हर्षना, आई एम ऑडिबल? यस यस सर. आप एक काम कीजिए, कंटिन्यूसली ना मेरे से इंट्रैक्शन कीजिए, अदरवाइज आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि आपको आवाज आ रही है नहीं आ रही है. बिकॉज ऑफ रेनिंग आई गेस देयर वुड बी इशू, अगर आ रहे हैं, बारिश चल रही है ना आजकल दिल्ली और एनसीआर में, तो उसकी वजह से इशू हो सकते हैं नेटवर्क के. तो जस्ट कंटिन्यूसली इंट्रैक्ट विद मी सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू गाइस आर लिसनिंग, और सिर्फ हर्षना और यामिनी नहीं, बाकी लोग भी डिस्कस करते रहे बीच. तो आप लिख लीजिए, दो तरीके होते हैं किसी बात को सिद्ध करने के लिए, ओरल और डॉक्यूमेंट्री. ठीक है, अब ओरल की भी बात करेंगे. ओरल एविडेंस कहाँ दे रखा है? ओरल एविडेंस की हम बात करेंगे तो ओरल एविडेंस से रिलेटेड प्रोविजन हम पढ़ेंगे 59 से 60 तक. ठीक है, ओरल एविडेंस की हम बात करेंगे 59 से 60 तक. तो ओरल एविडेंस क्या होता है? जो स्टेटमेंट, ऑल स्टेटमेंट्स, अब इसकी लैंग्वेज जब बेरेक में पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको, जो भी स्टेटमेंट विच कोर्ट परमिट्स, जो कोर्ट क्या करती है, परमिट करती है या रिक्वायर, कोर्ट कहती है रिक्वायर्स टू बी मेड बाय बिफोर इट, कोर्ट के सामने आके कही जाए वो बात. किसके द्वारा कही जाएगी वो बात? विटनेस के द्वारा. उसको बोलते हैं ओरल एविडेंस, जो कोर्ट में आके उस बात को बताएगा कि ऐसा हुआ. ठीक है, मतलब वही बात है, आगे हु हैज सीन, जिसने देखा, जिसने सुना या जिसने परसीव किया, उसको बोलते हैं ओरल एविडेंस. कोर्ट में आके विटनेस देते ना कि हाँ इसने मर्डर किया, इसने चाकू मारा था उस तारीख को, तो वो ओरल एविडेंस हो गया. और कई बार ऐसा हो सकता है जो विटनेस कैन नॉट स्पीक, कई बार ऐसे विटनेस भी हो सकते हैं अनेबल टू स्पीक. जब हम पढ़ेंगे आगे चलकर विटनेस कौन हो सकता है, हु कैन बी अ विटनेस? हाँ जी, एवरी पर्सन हु कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. हाँ जी, कोई भी विटनेस हो सकता है. कौन सा सेक्शन की बात कर रहे हैं हम, बताइए अर्चना. हाँ हाँ, 118 से लेकर कहां तक चलता है विटनेस के बारे में?
जनरली 18 और 19 पढ़ लेते ना. 18 में बेसिक है हु कैन बी अ विटनेस, एनीबॉडी कैन बी अ विटनेस. 19 में क्या लिखा है, 19 में क्या लिखा है बताइए. अनेबल टू कम्युनिकेट. यस सर, डम विटनेस. ठीक है, अब वो डम नहीं बोलते उसको. ठीक है, उसी चीज को तो चेंज किया गया है. डम नहीं, अनेबल टू विटनेस, अनेबल टू कम्युनिकेट. तो कई बार ऐसा इंसान होता है जो बोल नहीं पाता है. जो बोल नहीं पाता तो कैसे विटनेस देगा, या तो अपना साइन करके देगा या लिख कर देगा. साइन मतलब ये नहीं कि साइन कर देगा ऐसे इंद्रजीत, वो साइन मतलब इशारा करके देगा, सिग्नल. ठीक है, और अगर एक ओरल, अगर कोई जो इंसान बोल नहीं सकता, कोर्ट में आके अपना जेस्चर देकर या लिख कर किसी बात को बता रहा है, तो वो कौन सी विटनेस मानी जाएगी, ओरल हो जाएगी डॉक्यूमेंट हो जाएगी. ओरल, ये बात ध्यान रखना, वो ओरल ही रहेगी. ठीक है, क्योंकि उसने कुछ देखी, उसने कुछ सुनी, उस बात को वो बोल नहीं पा रहा लेकिन लिख के दे रहा है, तो वो ओरल कहलाती है. ये ध्यान रखना है आप लोगों को. ठीक है, अब सेक्शन 59 क्या कहता है, सेक्शन 59 को भी पढ़ लेते हैं एक बार. सेक्शन 59 और 60 ओरल एविडेंस से डील करेगा. अच्छा, ओरल एविडेंस कैसा होना चाहिए, हियर से चल जाएगा क्या? मस्ट बी डायरेक्ट. बिल्कुल, ओरल एविडेंस डायरेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर और डायरेक्ट होना चाहिए, जिसने देखा सुना और जिसने परसीव किया. अब एक बार देख लेते हैं ऑफ ओरल एविडेंस कैसे सिद्ध होंगी बात, या तो ओरल एविडेंस ही होगी या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही होगी. प्रूफ ऑफ फैक्ट बाय ओरल एविडेंस, ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी बातें हैं वो सिद्ध की जा सकती है. कैसे, मे बी प्रूव बाय ओरल एविडेंस, गवाही देकर, मुंह से गवाही देकर. कोर्ट में सामने विटनेस आएगा, विटनेस कोर्ट को बताएगा क्या देखा, क्या सुना, क्या हुआ. ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट, हम उस बात की गवाही नहीं दे सकते कि डॉक्यूमेंट के अंदर क्या लिखा है. एक्सेप्ट द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, क्योंकि अगर कुछ लिख दी गई है, अगर कुछ लिख दी गई है तो डॉक्यूमेंट के अंदर क्या लिखा है वो तो सबसे बेस्ट एविडेंस क्या होगा उस बात का. एक बात बताइए मुझे, ए ने बी को 10 kg चावल बेचने देने थे, डिलीवर करने थे. ठीक है, ये गुड्स हो गए ना, ये गुड्स को डिलीवर करना है. ये बात उन्होंने ए और बी को एक पेपर पे लिख ली है कि ए बी को चावल भेजेगा इतनी तारीख को. ये एक पेपर पे लिखा हुआ है, एक डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है. तो व्हाट कैन बी द बेस्ट एविडेंस, ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ जो पेपर है ना, ये तो लाएंगे हम कोर्ट में. देखिए जनाब, लिखे हुए साइन हुए मैं दोनों के, दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया, और डॉक्यूमेंट में भी ये ओरिजिनल अगर है तो ओरिजिनल को क्या बोलते हैं, और कोई अच्छा वर्ड है ओरिजिनल का? क्या मैं ओरिजिनल को प्राइमरी बोल सकता हूं? यस सर. ठीक है, तो ये प्राइमरी एविडेंस कोर्ट में लाना चाहिए, जनरली प्राइमरी से बात सिद्ध की जाए. अगर प्राइमरी नहीं है तो हम सेकेंडरी की तरफ जाएंगे, ये आज के हमारा पूरा लेक्चर इसी पे होगा. बट आप मुझे बताइए, ए ने बी को चावल भेजे, इसमें जो कंटेंट लिखा है, कंटेंट के इतनी तारीख को इतने बजे, क्या इसका ओवरऑल एविडेंस दिया जा सकता है? यस सर, दे सकते हैं. इसका कंटेंट, जब एक हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है ना, ओरल कंटेंट नहीं चलेगा, जो कंटेंट को लेकर ओरल एविडेंस नहीं दिए जाएंगे. ठीक है अर्चना, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी, वो भी हम पढ़ेंगे. तो यही कहता है, ऑल फैक्ट एक्सेप्ट द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या लिखा है, ये इलेक्शन ऑर्डर में क्या लिखा है, उस चीज को हम ओरल एविडेंस नहीं दिया जाएगा. ठीक है, अब मैं इसको एग्जांपल बताता हूँ, आप इसको बहुत आसानी से समझ जाएंगे. बाकी सब चीजों को ओरल एविडेंस दिया जा सकता है. ए ने बी को एक प्रॉपर्टी बेची है, ए ने बी को प्रॉपर्टी बेची है. अच्छा एक बात बताओ, 10 lakh rupees की प्रॉपर्टी है, आप डॉक्यूमेंट में कितना प्राइस लिखवाते हैं, सेल डेट में कितना लिखवाओगे? अच्छा, इतने लोग ईमानदार नहीं होते, तो पता नहीं कितना बजट बन जाता आज.
दस लाख की प्रॉपर्टी के ज्यादा से ज्यादा 3 लाख या 4 लाख के पेपर आते हैं लोग, ठीक है। ये वाली बात है, किसी इसको पता है कि 10 लाख की प्रॉपर्टी को 3 से 4 लाख के पेपर बनवाते हैं? सर वैसे पता है, ये जनरली तो ऐसे ही करते हैं लोगों को। तो क्यों करते हैं लोग, क्या है ये, इसकी वो स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है ना, तो वो कई लाखों स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए। हाँ जी, तो स्टैम्प ड्यूटी अवॉइड करने के लिए। स्टैम्प ड्यूटी किसकी इनकम है? स्टेट गवर्नमेंट इनकम है। जब हमें गवर्नमेंट को, अगर मैं एक 100 गज का प्लॉट ले रहा हूँ, उसमें से मैं अगर 1 लाख रुपए गज तो अच्छी जगह, कम से कम 1 लाख रुपए गज तो मिलती है। 1 करोड़ का 100 गज का फ्लैट, क्या नाम है, प्लॉट तो मिलेगा। इतनी तो वैल्यू दिल्ली के किसी भी कोने में हो सकती है। 100 गज का जो प्लॉट है वो 1 करोड़ का होगा, जिसमें 4 से 6% स्टैम्प ड्यूटी जानी। 4 लाख के तो गवर्नमेंट को स्टैम्प जाएगी। तो मैं इसको 1 करोड़ का दिखाऊंगा या मैं दिखा दूंगा भाई मैंने 40 लाख का लिया है, कितना दिखाऊंगा मैं? तो अक्सर लोग क्या करते हैं, इसको 40 लाख का दिखा देते हैं, मार्केट वैल्यू से कम करवा लेते हैं पेपर पे। अब 40 लाख का अगर मैं दिखाऊंगा तो मुझे स्टैम्प ड्यूटी कितनी देनी पड़ी? 40 लाख का अगर लड़की के नाम पर है तो 4%, 1,60,000 में काम चल जाएगा। सुन आ रही बात? और नहीं तो मुझे इसका देना पड़ेगा कितना, 1 करोड़ का सीधा सीधा 4 लाख के पेपर तो स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो मेरे को 2,40,000 की स्टैम्प बच गई ना, अगर वैल्यू कम दिखाई मैंने। इससे फायदे भी है, नुकसान बहुत ज्यादा है इससे। कल को अगर डिस्प्यूट आ जाए प्रॉपर्टी को लेकर, अब ध्यान से सुनना इसको, मैं हटा रहा हूं। अगर कल को डिस्प्यूट आ जाता है, डिस्प्यूट आ गया ए और बी के बीच में, डिस्प्यूट आ गया, इन्होंने प्रॉपर्टी जो थी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी और प्रॉपर्टी के पेपर बनाए 40 लाख रुपए के, ठीक है, जिसके हिसाब से 1,60,000 की स्टैम्प दे दी, और बाद में आ गया डिस्प्यूट। ए जो है वो परचेजर है और बी जो बेच सेलने वाला सेलर है, ठीक है, इसने इन्हें परचेज करी। अब एक बात बताओ, ये तो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ ना, सेल डेट करवाई इन्होंने, ये डॉक्यूमेंट हो गया। अब सेल डेट के जरिए तो प्रूव होगा ना कि हाँ इनके बीच में डिस्प्यूट आया, अगर कोई डिस्प्यूट आया तो सेल डेट को तो कोर्ट में लानी पड़ेगी ना, ओरिजिनल लानी पड़ेगी। अगर ओरिजिनल नहीं है तो अगर इसकी फोटो कॉपी से काम चल जाएगा या सर्टिफाइड कॉपी से काम चल जाएगा, ये भी बात मैं अभी करूंगा आपसे। तो 40 लाख रुपए के पेपर है लेकिन स्टैम्प ड्यूटी इतनी गई है। अब एक बात बताइए, क्या ए जो है इस बात का ओरल एविडेंस दे सकता है क्या? क्या ए इस बात का ओरल एविडेंस दे सकता है कि नहीं जनाब ये प्रॉपर्टी 1 करोड़ की थी? नो सर। तो इसलिए आप बताइए, क्या कंटेंट को लेकर ओरल एविडेंस दिए जा सकते हैं? नो सर। भाई इतनी सी बात है, एक लाइन में खत्म होती है। तो यहाँ क्या लिखा है? अच्छा, ओरल को प्रेफरेंस दी जाती है, डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूमेंट्री ऑथेंटिकेट होता है ना, डॉक्यूमेंट में तो लिख दिया है, साइन किए हैं, टेस्टिंग विटनेस होंगी। ओरल मैंने अभी आपसे कुछ कहा पता ही नहीं। जनरली तो आप कहते हैं किसी को पैसे देते हैं ओरली बात सिद्ध कर दोगे कोर्ट में कि मैंने इसको पैसे दिए, इम्पॉसिबल टू प्रूव हो जाता है ओरल। वैसे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो ओरल भी होते हैं लेकिन इट्स डिफिकल्ट टू प्रूव, और जनरली इसलिए लिखवा लेते हैं लोग। तो ये कहता है कोई भी बात ओरल एविडेंस से सिद्ध की जा सकती है, लेकिन कंटेंट उसके अंदर का जो मामला है, अंदर क्या क्या लिखा है, उस बात को ओरल एविडेंस से सिद्ध नहीं किया जाएगा। अब ये भी कहता है सेक्शन 60, ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। ओरल एविडेंस डायरेक्ट कब होगा, ये बात मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन अब इसको खुल के पढ़ लेते हैं। ओरल एविडेंस मस्ट इन ऑल केसेस व्हाटएवर बी डायरेक्ट होना चाहिए। दैट इज टू से इट रेफर्स टू फैक्ट व्हिच कुड बी सीन, जो देखा गया है। इट मस्ट बी एविडेंस ऑफ द विटनेस हु से, विटनेस कोर्ट में आके कहता हाँ ये मैंने देखा है, ए ने बी पे गोली चलाई। इट इज रेफर्ड टू द फैक्ट व्हिच कुड बी हर्ड, जो उसने सुना है। इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ विटनेस हु से, कि हाँ ये बात मैंने सुनी है। डायरेक्ट हियर से नहीं होनी चाहिए। इफ इट इज रेफर टू द फैक्ट व्हिच कुड बी परसीव्ड, इंसान की 5 सेंसेस होती है, उससे वो एहसास करता है।
by any other sense or in any other manner, it must be the evidence of the witness who say he perceived कि हाँ वो मैंने taste करके देखा था, वो खट्टा था, हाँ मेरे उसको हाथ लगाया था, मुलायम था, तो इस बात की वो कोर्ट में गवाही दे सकता है कि हाँ वो उस दिन जब वो भोपाल गैस असर हुआ तो मैंने जब इनहेल किया तो मैं बेहोश हो गया उस गैस से, वो बहुत डेंजरस गैस थी, इस बात की वो कोर्ट में आके गवाही दे सकता है. If it is referred to an opinion, अगर opinion की बात है, or the ground on which the opinion is held, it must be the evidence of the person who holds that opinion on that ground. तो जो इंसान opinion दे रहा है, expert opinion दे रहा है, तो court में आके orally opinion देगा अपनी कि हाँ इस बात को इस आधार पर मैंने अपनी opinion दी कि ये तक जो shoot किया गया, ये 10 फुट की दूरी से गया, इससे ऐसे symptoms निकल के आए कि जो potassium cyanide खाने के बाद निकलते हैं. ठीक है, तो ये डायरेक्ट हो गई बात. ठीक है, पुट सीन हर्ड परसिव और ओपिनियन प्रोवाइडेड द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट एक्सप्रेस इन एनी ट्रीटी कॉमनली ऑफर्ड फॉर सेल एंड द ग्राउंड ऑन व्हिच द सच ओपिनियन हेल्ड मे बी प्रूव बाय द प्रोडक्शन ऑफ सच ट्रीटीज इफ द ऑथर इज डेड. अगर कोई इंसान मर चुका है, जैसे जो ओपिनियन दे रहा था वो इंसान मर चुका है या उसको कोर्ट में नहीं लाया जा सकता और इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस और कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ विटनेस विदाउट एनी, ये वो चारों बातें आ गई जो हमने डाइन डिक्लेरेशन में पढ़ा था. ठीक है, जो 32 में पढ़ा था. तो उस केस में क्या हो सकता है, अगर कोई ट्रीटी साइन हुई है जो लिखी गई है, अगर वो इंसान को कोर्ट में नहीं लाया जा सकता तो उसने जो पहले जो कोई ट्रीटी वगैरह थी उसको कोर्ट में लाया जा सकता है. प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इफ द ओरल एविडेंस रेफर टू द एग्जिस्टेंस और कंडीशन ऑफ एनी मेटेरियल थिंग अदर देन द डॉक्यूमेंट The court may, if it is seen, require the production of such material thing for its inspection. अगर कोई oral evidence दे रहा है किसी बात के existence का या कोई condition को लेकर material thing को, document के अलावा, other than document, क्योंकि document तो court में लाना ही पड़ेगा, तो court उस चीज को भी कह सकती है, उसका production भी कीजिए, तभी उस बात का oral evidence लीजिए. यानी इससे correlate कर रही है, आप देना तो oral evidence देना चाहते हैं, लेकिन दूसरी चीज जो वो डॉक्यूमेंट में नहीं है, लेकिन हम मटेरियल कुछ और चीज हो सकती है जिसको कोर्ट कह सकता है आप जिस बात की गवाही दे रहे हैं उस चीज को भी साथ लेके आइए. अब इसमें कुछ और भी बातें हैं वो मैं आपको लिखवाता हूँ तो और क्लियर हो जाएगी चीजें. दो सेक्शन है और इसी में हम हेयर से एविडेंस को भी पढ़ते हैं, क्योंकि ओरल एविडेंस कैसा होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए. ओरल एविडेंस डायरेक्ट होना चाहिए, बट कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां हेयर से एविडेंस कानों सुनी बात भी कोर्ट कंसीडर कर लेता है. तो हेयर से एविडेंस को भी हम इसी सेक्शन में पढ़ते हैं. तो पहले हम 59 और 60 पे बात कर लेते हैं, फिर आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट दी हेयर से एविडेंस. पहले 59 पढ़ लेते हैं एक बार दोबारा से नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. क्वेश्चन आता है इसमें, मेंस का क्वेश्चन आएगा तो छोटा ही क्वेश्चन बनता है. किसी भी फैक्ट को ओरल एविडेंस से सिद्ध किया जा सकता है. ठीक है, इसमें हमने पढ़ा सारे फैक्ट्स जो है ओरल एविडेंस से सिद्ध किए जा सकते हैं, एक्सेप्ट कौन से, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. कंटेंट को हम सिद्ध नहीं करेंगे ओरल एविडेंस से, ये बात मैंने आपको बता भी दी है. और अगर किसी सिचुएशन में ओरल एविडेंस भी दिया जा रहा है और अगर डॉक्यूमेंट एविडेंस भी है, उस बात का डॉक्यूमेंट भी है, तो बेस्ट एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए. तो बेस्ट एविडेंस एक होती है, रूल है कि बेस्ट एविडेंस मस्ट बी प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट. किसी केस में ऐसा भी हो सकता है उसका ओरल एविडेंस भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी है, तो बेस्ट थिंग है कि ओरल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोर्ट में लाया जाए, क्योंकि बेस्ट एविडेंस है. जैसे इसका एग्जाम्पल हम ऐसे समझ सकते हैं, कई बार क्या होता है कि अगर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उस कॉन्ट्रैक्ट के चलते ये बात लिख दी गई है, रिटर्न फॉर्म में है, तो उस बात का ओरल एविडेंस नहीं दिया जाएगा. उसके लिए आपको वो जो डॉक्यूमेंट है दैट हैज टू ब्रिंग बिफोर द कोर्ट, दैट हैज टू ब्रिंग बिफोर द कोर्ट के सामने वो डॉक्यूमेंट ही लाना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज द बेस्ट एविडेंस. ठीक है, और अब सेक्शन 60 जो है वो क्या कहता है एक बार वो भी देख लेते हैं. वैसे हम पढ़ चुके हैं बैरेट से, शॉर्ट में पढ़ लेते हैं. ओरल एविडेंस कैसा होना चाहिए,
डायरेक्ट होना चाहिए. श्रेष्ठा आई एम ऑडिबल टू यू श्रेष्ठा और सीमा? यस सर. यामिनी आई एम ऑडिबल? ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत देर हो जाती है ना बोलते बोलते, तो आप लोगों का रिस्पांस नहीं आता तो पता नहीं लगता फिर. ओके, तो ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट होना चाहिए, जो इंसान उसने सुना देखा सुना या परसीव किया, और जो अपनी ओपिनियन दे रहा है, एक्सपर्ट की ओपिनियन. और एक्सपर्ट की ओपिनियन में अगर वो नहीं आ सकता तो कोई ट्रीटी वगैरह जो साइन हुई होगी. ठीक है, तो इसलिए वैसे हम कई बार क्या बोलते हैं, जो आई विटनेस होता है, आई विटनेस तो एक तरीके की फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, इसको बोलते हैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन. सीधा डायरेक्ट वहीं से आ रही इंफॉर्मेशन जिसने देखा. ठीक है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन. और इसलिए कहा गया एक रूल है, ये रूल है, इट शुड नॉट बी हियर से. हियर से एविडेंस नहीं होना चाहिए. अब हियर से एविडेंस क्या होता है, आप लोगों को वैसे आई एम श्योर पता ही लग गया होगा. हियर से एविडेंस कानून सुनी बातें. अगर क्वेश्चन आ जाए आपके पास हियर से एविडेंस पे, आता है क्वेश्चन इस पे हियर से एविडेंस, तो आप क्या लिखेंगे? ऐसे लिख सकते हैं, वट एवर अ पर्सन इज हर्ड टू से, उसने क्या सुना. वट एवर पर्सन, जो भी कुछ उसने, वट एवर अ पर्सन इज हर्ड, हर्ड टू से, कहते हुए सुना. एक्सक्यूज मी, इट मे बी अ र्यूमर हो सकती है, कोई अफवाह चल गई ना जैसे कुछ, या गॉसिप भी हो सकती है, डायरेक्ट नहीं है. जैसे एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, जेड ने मुझसे कहा, जैसे एग्जाम्पल दे ही रखा है कई बुकों में, जेड टोल्ड मी, जेड ने मुझसे कहा, जेड ने कहा कि एक्स ने स्टैब्ड किया इसको वाई को, एक्स ने चाकू मार दिया वाई के. ये बात मुझे किसने कही? एक्स ने तो कही नहीं. अगर एक्स कहता तो ये एडमिशन हो जाता. ध्यान से सुनना, अगर ये एक्स मुझसे कहता तो ये एडमिशन, एडमिशन का और बिल्कुल गिल्ट अपना रहा है, तो ये कन्फेशन होता. एडमिशन को काट देता, सॉरी, ये कन्फेशन हो जाता. ठीक है, एक्स अगर मुझसे कहता तो ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हो जाता. वाई तो मर चुका है, वाई तो कुछ कह ही नहीं सकता. एक्स ने वाई को मार दिया, ये बात किसी तरीके से जेड को पता चली. जेड ने मुझसे कही, इसलिए मैं अगर कोर्ट में जाऊंगा तो कोर्ट मुझे रिजेक्ट कर देगा कि आप गवाही नहीं दे सकते, बिकॉज इट इज अ हियर से एविडेंस, कानों सुनी बातें है. यू हैव नॉट सीन, यू हैव नॉट हर्ड इट. ठीक है, एंड दैट्स व्हाई हियर से एविडेंस नॉट एडमिसिबल, एडमिसिबल नहीं होती है. ये बेसिक रूल है. और इसको एक आ गया हियर से एविडेंस को, इसको बोला गया सेकेंड हैंड एविडेंस. ठीक है, सेकेंड हैंड है, किसी और के हाथ के चल के आ रही है. और एक बहुत अच्छी बात है, अपने आंसर को आप कैसे लिखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप लैंग्वेज का यूज करते हैं, जितनी बार बात कहेंगे उतनी बार, जितनी रिपीटेशन होंगी ना बातों का, जितनी रिपीटेशन होंगी उतनी बार बातों में ट्विस्ट आ जाएगा. एंड देयरफॉर इट शुड नॉट बी एडमिटेड इन एविडेंस, माना नहीं जाना चाहिए. लेकिन हियर से एविडेंस के भी कुछ अपवाद है, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन ऑफ हियर से एविडेंस. क्या क्या अपवाद हो सकते हैं, पेपर में हमेशा आता है, एमसीक्यू का क्वेश्चन भी है और मेंस में भी आप लिखेंगे.
there are certain exception of a hearsay evidence. The first one is क्या है बताइए ठीक है सेक्शन सिक्स ठीक है सबसे पहले सेक्शन सिक्स हो गया क्योंकि सेम ट्रांजेक्शन में होने वाली बात है मुझे उसने मारा और उसका ब्लड बह रहा था फिर उसके बाद जो लोगों ने सुना देखा तो अपने जाके गवाही दे सकते हैं सेम ट्रांजेक्शन की बात है सेकेंड क्या होगा एडमिशन एंड कन्फेशन दोनों ही होता है जो इंसान अगर कन्फेस ही कर रहा है जो एडमिट ही कर रहा है एडमिशन कन्फेशन ठीक है थर्ड क्या हो सकता है हाँ जी बिल्कुल इम्पोर्टेंट 32 डाइंग डिक्लेरेशन हो गया ठीक है कि जो इंसान है ही नहीं लेकिन वो अपनी डेथ का कारण बता के गया है दैट इज अ कानून सुनी बात भी वहां पे फिर एडमिसिबल हो जाता है क्योंकि एक तरीके का सेम ट्रांजेक्शन के बारे में बात करके गया है वो कि मेरी डेथ का हत्या कैसे हो व्हाट एल्स कुड बी और क्या हो सकता है और बात क्या सेक्शन 33 एंड 39 ऑल आर एक्सेप्शंस टू हियरसे एविडेंस व्हिच वन From 33 to 39. 33 to 39. अब उसमें है ना कुछ important है बस हर चीज नहीं है important वहां पर आप section 34 को मान सकते हैं 34 में क्या लिखा है कोई book of accounts जो maintain की थी ना book of accounts maintain थी in the during the course of business ठीक है उसने जो किताब लिखी थी course of business वो relevant हो जाती है उसी किताब में एंट्रीज जो थी और क्या हो सकता है कोई एक्सपर्ट हाँ जी एक्सपर्ट ओपिनियन एक्सपर्ट ओपिनियन कैसे होगा हियरसे एविडेंस मतलब एक्सपर्ट मतलब कि जैसे सेशन 60 में हो सकता है वो 60 के प्रोविजो में होता है वो ठीक है अभी बताऊंगा इसके बारे में स्टेटमेंट ऑफ एक्सपर्ट इन ट्रीटीज को लेकर अभी जो आज हमने बात करी ना वहां रिलेवेंस होती है उसकी लेकिन एक्सपर्ट ओपिनियन हियर से एविडेंस नहीं है तो सेक्शन 35 में भी होता है पब्लिक जो एंट्रीज हुई है पब्लिक रजिस्टर्ड में एंट्रीज इन पब्लिक रजिस्टर्ड और लास्ट ये भी होता है क्या नाम है स्टेटमेंट सेक्शन 60 के अंदर जो एक्सपर्ट है क्योंकि वो कोर्ट में नहीं लाया जा सकता और उससे रिलेटेड कोई ट्रीटीज है ठीक है जो प्रोविजो हमने 60 का प्रोविजो पढ़ा है अभी ये सारे इसके एक्सेप्शंस है लेकिन आप ध्यान रखना चाहे आप इन तीनों को भूल भी जाओ तो भी काम चल जाएगा क्योंकि ये तो आपको मेन्स में लिखना पड़ेगा लेकिन ये ध्यान रखना है ये तीनों एमसीक्यू में पूछे जाते हैं 1, 2, 3 लास्ट वाला कैसे है सर क्योंकि इंसान अब कोर्ट में ही लाया जा सकता ना उसने कुछ कहा और उसने क्या कहा अपनी जो ट्रीटीज थी उस पर साइन किया था वो पास्ट में चली गई ना वो कोई जो डॉक्यूमेंट हो सकता है जैसे उसने कुछ बात अपनी किताबों में लिख दी थी उस ट्रीटी को लेकर वो बाद में फ्यूचर में लाई जा सकती है तो इसको हेयर से डाइन डिक्लेरेशन के तरीके से ट्रीट किया गया इसको जो इंसान एडमिट कर गया है किसी बात को चाहे वो कानून सुनी बात थी तो हमें बार बार सिद्ध करने की जरूरत नहीं है एडमिटेड फैक्ट है उसका वो एडमिट भी कर रहा है हमने क्या लिखा था आपने शायद देखा होगा एडमिशन इज रिलेवेंट एविडेंस उसमें आपने ये देखा था कि एक सेकंड में निकाल के बताता हूं आपको कहां से हमने पढ़ा था इसको हियरसे के रेफरेंस में एडमिशन आर एन एक्सेप्शन टू हियरसे ठीक है आप एक काम कीजिए अपना अगर पीछे जाके देखेंगे एडमिशन में हमने ये पढ़ा था
एडमिशन एन एक्सेप्शन टू हियरसे रूल, वहां एक एग्जाम्पल मैंने लिखवाया था, ए सूज बी ऑन अ लोन विच बी डिनाइज बट ए एडमिटेड बिफोर सी, वो सी के सामने थर्ड पर्सन के पास जाके कहता है. तो ये बात तो रही हमारी ओरल एविडेंस को लेकर. अब आता है एक इम्पोर्टेंट एरिया, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को लेकर. हाँ जी बोलिए. लेट्स मूव इट. ओके चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. अब ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है तो आप समझ ही गए होंगे. सेक्शन 61 से लेकर 90 तक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में बात की थी. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है? कोई चीज लिख दी गई हो, रिटर्न फॉर्म में हो. अच्छा, डॉक्यूमेंट्स की जो डेफिनेशन है वो कहाँ दे रखी है? डॉक्यूमेंट क्या होता है, कहाँ दे रखी है डॉक्यूमेंट की सर? आईपीसी सेक्शन 29 आई थिंक. क्या एविडेंस में नहीं दे रखी क्या? यस सर, इसमें भी है. तो एविडेंस मिलेंगे. ठीक है, तो एविडेंस के सेक्शन 3 में दे रखे है डॉक्यूमेंट की. सेक्शन 3 में क्या लिखा है? डॉक्यूमेंट का मतलब होता है एनी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब, एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब जिसपे कुछ चीज लिख दी गई हो. अपॉन एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस. सब्सटेंस का मतलब क्या है? यहाँ पे पेपर हो सकता है. क्या क्या हो सकता है सब्सटेंस? बाय मीन्स ऑफ सब्सटेंस क्या हो सकता है? पेपर हो सकता है, कोई स्टोन हो सकता है, कोई वॉल हो सकता है. हाँ जी सर, इवन ट्री कैन बी द सब्सटेंस. बिल्कुल, ट्री पे लिखा जा सकता है. लिख देते हैं ना वो लवर पॉइंट पे जाके लिख देते हैं पेड़ पे, तू मेरी मैं तेरा, पत्नी नाम हम लिख देते हैं. दैट कैन बी कंसीडर्ड एज अ डॉक्यूमेंट. यस सर. आल्सो नंबरिंग, द गवर्नमेंट जो नंबरिंग करती है ट्रीज की, उसका फोटो आप ले लोगे डॉक्यूमेंट में, वो भी डॉक्यूमेंट में, क्योंकि वो गवाही अपने मुंह से तो बोल लेगा लेकिन डॉक्यूमेंट है. अब कैसे हो सकता है? लेटर से लिख दिए, कुछ लेटर हो सकते हैं, कुछ फिगर बना दी, कुछ मार्क्स. ये मैं आपको एविडेंस की डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ जो सेक्शन 3 में दी हुई है. और मोर देन ऑफ दोस मीन्स इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर. तो अगर हमने पेड़ पे लिख दिया है तो वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड बन गया ना, दैट कैन बी यूज्ड. अब इसके आगे अगर आप देखोगे, राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट. अगर एक ने एक किसी को लेटर लिख दिया वो डॉक्यूमेंट है. अपॉइंटमेंट लेटर एक डॉक्यूमेंट है. वर्ड प्रिंटेड, जिस पे प्रिंट किए हुए हैं वर्ड्स, वो डॉक्यूमेंट है. लिथोग्राफ, वो एक डॉक्यूमेंट है. फोटोग्राफ एक अपने आप में डॉक्यूमेंट है. मैप, प्लान, डॉक्यूमेंट. इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट, आपने देखा होगा आपके घर के बाहर एक नंबर प्लेट या नेम प्लेट लगी होती है, दैट इज अ डॉक्यूमेंट. स्टोन इज अ डॉक्यूमेंट. स्टोन पे ना, जैसे स्टोन पे इंस्क्राइब कर देते हैं, आप पत्थर पे भी तो नाम लिखवा के ले आते हैं कहीं से. और एक कैरिकेचर होता है, जैसे कार्टून वगैरह होते हैं ना, राहुल गांधी का मोटा सा कार्टून बना दिया, नरेंद्र मोदी का बना दिया, दैट इज अ डॉक्यूमेंट माना गया उसको. तो ये जो डॉक्यूमेंट है, इस बात की भी कोर्ट में गवाही और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो नाम में वैसे बेस्ट एविडेंस होता है, तो डॉक्यूमेंट को कोर्ट में लाया जा सकता है. और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मतलब क्या है? द मीन्स अ डॉक्यूमेंट एज अ डॉक्यूमेंट व्हिच इज प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस किया गया है कोर्ट को, प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, यानी कोर्ट खुद उसको इंस्पेक्ट कर ले, कोर्ट के सामने ला दे ना, तो कोर्ट हैज टू फाइंड इट आउट. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अपने आप में क्या है? एक सुपीरियर क्वालिटी का एविडेंस है, सुपीरियर है. ओरल से प्रेफरेंस दी गई है और हमेशा हम किसी बात को, ये इजी हो जाता है कोर्ट के लिए भी, जिस बात का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ओरल एविडेंस नहीं दिया जाएगा. बट कुछ एक्सेप्शंस भी है, वो भी पढ़ लेंगे. अब सेक्शन 61 क्या कहता है?
सेक्शन 61 में लिखा है प्रूफ ऑफ द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। सर ये सुपीरियर का लिखा आपने? ये रहा सुपीरियर, प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। कैसे सिद्ध करेंगे डॉक्यूमेंट के अंदर क्या लिखा है? हाँ जी बताइए, ए ने बी को चावल बेचने हैं या बेचेगा या बेच चुका है, इस बात को लेकर कोर्ट में डिस्प्यूट आया है, कैसे सिद्ध होगा? कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट कैसे सिद्ध किए जाएंगे? बिल्कुल, देखो डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने ले आएंगे, जनाब ये रहा हमारा डॉक्यूमेंट। अब ये जो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट है, ये जो ए ने बी को चावल बेचने की बात कही, 10,000 रुपए की बात करी कि 10,000 रुपए मैं दूंगा, मैं इसको चावल बेचूंगा या कुछ भी बेचूंगा, वो इसमें लिख दिया गया है, या सेल डीड हो गई या कुछ भी चीज हो गई जो लिखित में है, दैट कैन बी प्रूव्ड। या तो ये प्राइमरी एविडेंस से सिद्ध होंगे या ये सेकेंडरी से सिद्ध होंगे। अब प्राइमरी डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट इन इटसेल्फ, अपने आप में जो डॉक्यूमेंट बना, जो ओरिजिनल है। सेकेंडरी क्या होता है? जब ओरिजिनल अवेलेबल नहीं है, जब प्राइमरी अवेलेबल नहीं है, देन वी कैन गिव अ सेकेंडरी एविडेंस। सेकेंडरी क्या हो सकता है? जैसे अभी तो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, बेरेक पढ़ेंगे हम। सेकेंडरी एविडेंस क्या हो सकता है? जैसे सर्टिफाइड कॉपी। अब आपको ये पता होगा, आप जितने भी जिनके पुराने घर हैं उनके उर्दू में पेपर होंगे, और उर्दू के पेपर कई बार गल गए हैं, सड़ गए हैं, पढ़ने में नहीं आ रहे, तो आप क्या कर सकते हैं? रजिस्ट्रार ऑफिस जा सकते हैं, सब रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, सब रजिस्ट्रार से अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लेंगे, ठीक है, रीजनेबल फीस देके। सब रजिस्ट्रार आपके जहाँ पे रजिस्टर्ड हुई होगी प्रॉपर्टी, वहां से डॉक्यूमेंट निकलवा के कोर्ट में लगा सकते हैं कि आई एम द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी एंड ही इज माय टेनेंट, ठीक है। अब इसी बारे में खतौनी होती है ना? हाँ, तो इसको खतौनी बोलते हैं ना शायद रूरल एरियाज में? नहीं नहीं नहीं, देखो उसको बोलते हैं म्यूटेशन। तो हाँ, म्यूटेशन प्रोसीडिंग। म्यूटेशन क्या होता है? जब हमने पहले एक प्रॉपर्टी ली, ठीक है, जैसे मैंने एक प्रॉपर्टी ली, तो आज से पहले उस प्रॉपर्टी का मालिक ए था। अब इसमें ये लिख दिया जाएगा कि इस दिन जिस दिन सेल हुई है उसके बाद इसका मालिक इंद्रजीत बन गया है, ठीक है, मेरा नाम रिकॉर्ड में आ जाएगा, इसको बोलते हैं म्यूटेशन कराना। खतौनी इनसे रिलेटेड होती है, जैसे प्रॉपर्टी का खतौनी, खसरा नंबर। खतौनी खसरा तो होता है डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी होती है, किसके नाम से थी, कौन सा खतरा है। खतौनी, खतौनी को बोल सकते हैं एंसेस्टर, किस नाम से चली आ रही है प्रॉपर्टी। फरद भी होता है, जो आप बात कर रहे हैं ना यामिनी, रिकॉर्ड में मेरा नाम आना, वो म्यूटेशन बोलते हैं सर। लेकिन आपका तो नाम, आप बताइए, म्यूटेशन में तो चेंज ऑफ ओनर का नाम चेंज हो जाता है ना? ओनर का नाम चेंज होगा, लेकिन पुराना तो रिकॉर्ड में रहेगा। सेलिंग हो रही है तो, लेकिन अगर किसी को डॉक्यूमेंट ही निकलवाना है अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो वो खतौनी होती है। उसे खतौनी तो वो डॉक्यूमेंट को बोल सकते हैं, लेकिन उस प्रोसेस को खतौनी नहीं बोलते। नहीं सर, उस प्रोसेस को म्यूटेशन प्रोसीडिंग बोलते हैं, वो अलग चीज, वो तो आप कह रहे हैं ना जो नेम चेंज हो जाता है, वो तो तभी पिक्चर में आएगा जब हम किसी को प्रॉपर्टी नहीं बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, मतलब कि ओनर चेंज हो रहा है जब। बिल्कुल, नाम तभी आएगा म्यूटेशन में, जैसे मैंने आपको, आपने मुझे प्रॉपर्टी बेची, मेरा नाम आप रिकॉर्ड में आ जाएगा, उसको म्यूटेशन बोलते हैं, दाखिल खारिज बोलते हैं इसको, म्यूटेशन को दाखिल खारिज, दाखिला खारिज, हां दाखिल खारिज बोलते हैं। यस सर, यस सर, ठीक है। खतौनी उर्दू का वर्ड है, डॉक्यूमेंट, पुराने डॉक्यूमेंट में नाम किसका चला आ रहा है, खतौनी, खसरा नंबर, वो सब देखते हैं। खसरा नंबर होता है प्रॉपर्टी का डायमेंशन, कि ये प्रॉपर्टी जो है इसका खसरा नंबर क्या है। अब इसका मालिक कौन है, वो खतौनी होगी। सर मुझे ये पूछना था कि खतौनी सिर्फ रूरल एरियाज में ही होती है या फिर अर्बन एरियाज के लिए भी खतौनी है? आई थिंक उनके लिए शायद टर्मिनोलॉजी दूसरी है। ये एग्रीकल्चर के लिए पढ़ते हैं ना हम लोग, जो यूपी का, यूपी या एमपी का जो लोकल पढ़ते हैं, वहाँ पे रूरल एरिया के लिए होता है एग्रीकल्चर लैंड के लिए। खतौनी खसरा नंबर, वो पुराने अगर रिकॉर्ड देखोगे, वैसे खसरा नंबर मेरे पास पड़ी एक, मेरी खुद की 1937 की प्रॉपर्टी है, उसमें देखेंगे, उसमें तो वैसे मैंने देखा था खसरा नंबर तो लिखा है, खतौनी नहीं देखी मैंने। अब देखेंगे क्या होता है, चेक कर लेंगे एक बार।
बाकी म्यूटेशन दाखिल खारिज बोलते हैं इसको, अपना नाम दर्ज कराना पेपर में आ जाता है। और यूपी में जितनी प्रॉपर्टी बिकती है ना वो सेल रेट पे बिकती है, जीपी वीपी नहीं चलता यूपी, म्यूटेशन ही कराते हैं। बल्कि आपके हरियाणा में भी जी ये है सेल रेट ही होती है, लेकिन फिर भी छुप कर कई जगह एक पावर ऑफ अटॉर्नी होती है कई कई जगह, लेकिन बैन है पावर ऑफ अटॉर्नी से, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती। पहली बात कोर्ट ने मना कर मतलब जो खरीद रहा है परचेजर उसी का लॉस है, कोई वैल्यू नहीं है जीपीए की। लेकिन पता क्या है, पोजीशन जिसके पास होता है ना, पोजीशन इज अ 9 पॉइंट ऑफ ओनरशिप। सर आप मेरे को कष्टकार का विवरण, खतौनी का मतलब होता है कष्टकार। कष्टकार क्या है ये वर्ड? अब ये मुझे नहीं पता कष्टकार। एक्चुअली सर मेरे लिए कष्टकार सर ये वो है कि जब हम लोकल लॉस पढ़ते हैं ना यूपी के और उसके, तो उसमें कष्टकार जैसे भूमिधर, हाँ एक पर्सन हो गया, ऐसे ही कष्टकार भी एक वर्ड होता है। भूमिधर सरदार, हाँ बस वही है, उसका मीनिंग यही है। खतौनी जो आप पूछे उसका विवरण, जो भी वर्ड है ना कष्टकार उसका विवरण यही होता है। चलो ये आप देख लेना क्या होती है, बट आई नो म्यूटेशन क्या है। खतौनी खजा नंबर अपने आप देख लेना। यूपी समिताधारी अबॉलिशन वैसे तो खत्म ही हो रहा है, नया है। दाखिल खारिज यानी कि जिसने खरीदी उसका नाम दाखिल करना और जिसने बेच दिया उसका खारिज का नाम हटा दो। म्यूटेशन मुझे तो पता है म्यूटेशन क्या है, क्योंकि हम मैंने कोई प्रॉपर्टी ली तो मेरा नाम उस पर आया, तो म्यूटेशन बोला उसको, वो तो हमने भी करवाया हुआ म्यूटेशन। लेकिन ये प्रॉपर्टी वाले जो वकील होते हैं ना वो अलग होते हैं, हर चीज का एक्सपर्टीज होती है ना। यस सर। चलो आगे चल रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अपने हमें सुपीरियर है और उसके लिए ओरल एविडेंस नहीं दिया जाता। सेक्शन 61 में लिखा है प्रूव द कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। कैसे डॉक्यूमेंट को सिद्ध किया जाएगा? डॉक्यूमेंट को सिर्फ प्राइमरी या सेकेंडरी एविडेंस से सिद्ध किया जा सकता है। अब प्राइमरी एविडेंस क्या होता है वो सेक्शन 62 में लिखा है, और सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है सेक्शन 63 में लिखा है, तो दोनों को हमें बेरेक से ही पढ़ना है। प्राइमरी एविडेंस क्या होता है सेक्शन 62, पहले तो 61 ही पढ़ लेते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव ईदर बाय प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी एविडेंस क्या होता है? प्राइमरी एविडेंस मीन्स ए डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, कैसे साबित करेंगे आप? 10th का सर्टिफिकेट प्राइमरी डॉक्यूमेंट है या नहीं है? यस सर, यस सर। ठीक है, तो प्राइमरी डॉक्यूमेंट होगा आपका ओरिजिनल इटसेल्फ बोल रहे हैं। ठीक है, प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, जो डॉक्यूमेंट अपने आप में ओरिजिनल। अब एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन से आता है, एमसीक्यू का ध्यान रखना। वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स, आपने देखा होगा कई बार कोई हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं एक पेपर पे तो आता नहीं है, उसके कई पार्ट होते हैं, एक पे दो पे तीन चार पेजों में आता है, तो ईच पार्ट जिस जिस पे उसने साइन करे वो सारे प्राइमरी एविडेंस होंगे। बात समझ में आई? अगर आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया, सेल रेट कितने पेज में बनती है? एक पेज में बनती है क्या? हाँ जी, सेल रेट एक ही पेज, बहुत सारे पेज जो बनती है और हर पेज के नीचे आपको साइन करना पड़ता है, तो जितने भी वो सारे पेजेस है ना एक के पीछे जो लगे हैं सारे वो प्राइमरी एविडेंस है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है प्राइमरी। नाउ वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन द काउंटर पार्ट, ईच काउंटर पार्ट बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय वन और बाय सम ऑफ द पार्टीज ओनली, ईच काउंटर पार्ट इज अ प्राइमरी एविडेंस अगेंस्ट द पार्टी एग्जीक्यूटिंग। क्वेश्चन यहां से आता है, ठीक है, यहां से प्रीलिम्स का क्वेश्चन आता है। अब इसको पहले समझ लेते ही होता क्या, किसको पता ये क्या होता है काउंटर पार्ट? हाँ जी बताइए यामिनी, ये अर्चना आप लोग बताइए क्या होता है काउंटर पार्ट? सर ये है कि जो पार्टी द पार्टी विच इज एग्जीक्यूटिंग द कॉन्ट्रैक्ट वो उसके लिए तो ये प्राइमरी एविडेंस हो जाता है, और फॉर हुम इट इज एग्जीक्यूटेड उसके लिए इट विल बी सेकेंडरी एविडेंस, जैसे कि पट्टा एंड कबूलियत। कबूलियत पट्टा और गोबिलियत। यस सर। ओके, इसको हम तो रहेगा पट्टा लीज हो गया ना। यस सर, तो ये तो प्राइमरी एविडेंस उसके लिए के जो लीज पर दे रहा है उसके लिए हो जाएगा प्राइमरी एविडेंस, और गोबिलियत सेकेंडरी एविडेंस होगा फॉर द पर्सन हु इज टेकिंग इट ऑन लीज। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसको और आसानी तरीके से समझ लो चेक। ठीक है, पट्टा
रेड पेन को क्या हो गया। चलो वैसे मैं पहले सिंपल तरीके समझाता हूँ। देखो एक तो होता है डॉक्यूमेंट हमने बनाया, जब हम सेल डेट बनाते हैं तो सेल डेट के अंदर भी एक पेज के बाद दूसरा पेज होता है, दूसरे का तीसरा पेज होता है और हर पेज पे हम साइन करते हैं बॉटम पे, दोनों पार्टीज करती है। तो ईच डॉक्यूमेंट इज अ प्राइमरी एविडेंस। अब कई बार क्या होता है हम काउंटर पार्ट बनाते हैं, जैसे सपोज काउंटर पार्ट क्या हो सकता है, जैसे एक चेक है, चेक में कितनी पार्टीज होती है, चेक में तीन पार्टीज है। अब कहोगे सर तीन पार्टी कौन सी, एक तो होता है जिसने चेक बनाया, जैसे मैंने साइन करके दिए कि मुझे 10,000 रुपए देने हैं, दैट आम मैं कौन हूं, मैं ड्रॉवर। और जो बैंक इशू करेगा, बैंक है ड्रॉइंग। और एक होता पेई, जिसके पेवर में गया है, पेवर में जिसके है, ये साइन किसने किया है, चेक मैंने करा ना, इंदरजीत को, इंद्रजीत के साइन है, इंद्रजीत को यामिनी को 10,000 रुपए देने हैं, ठीक है, यामिनी के फेवर में बनाया ना, तो ये साइन किसने करा, ये डॉक्यूमेंट मैंने करा है। तो दिस डॉक्यूमेंट, ध्यान से सुनना, ये जो चेक होगा, ये चेक जो होगा दैट कैन बी यूज एज अ प्राइमरी एविडेंस अगेंस्ट हुम, अगेंस्ट मी द पे ही नहीं होगा, ये है For the drawer, it is a primary ground. लेकिन against तो pay के लिए होगा ना ये? अरे 63 में पढ़ेंगे वाली बात, एक बार दोबारा पढ़ो। Where a document is executed is a counterpart. Each counterpart being executed by one or some of the party only. Each counterpart is a primary evidence against the party executing it. ठीक है, जो execute कर रहा है, A ने जो execute करा ये check. So that will be a primary evidence A के against, क्योंकि उसके साइन है ना, ये इंद्रजीत के साइन है, चेक मेरा है, तो that would be the primary evidence against me. Understood. और लेकिन ये secondary evidence हो जाएगा pay के लिए। अब इसको कैसे समझेंगे, 63 का fourth देखिए आप, counterpart of the document as against the party who did not execute them. अब एक बार दोबारा, हाँ जी, जिसने एग्जीक्यूट करा है, अरे मेरे साइन है ना किसी डॉक्यूमेंट पे, वो किसके फेवर में जा रहा है, लेकिन मैंने साइन करे हैं, तो आई विल बी एग्जीक्यूटिंग इट, वो मेरे लिए, मेरे अगेंस्ट में प्राइमरी एविडेंस यूज होगा। अच्छा एक बात बताइए, आपने किसी ने चेक बनाया है क्या? Yes, आप लोगों ने चेक बनाया होगा। जो चेक होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, धारा 138 के अंदर, ये क्या अपने आप में एक प्राइमरी एविडेंस है या नहीं है? Yes, sir. क्या चेक का होना ही अपने आप में काफी नहीं है? Yes, sir. प्राइमरी एविडेंस है वो, तो आपको जैसे आप चेक लेके आए ना, अभी किसी और का चेक, हर्षना का चेक मेरे फेवर में क्या कर रहा है, और मेरे पास चेक, ठीक है, तो ये अपने आप में एक प्राइमरी फेस एविडेंस, किसके खिलाफ यूज होगा वो चेक, जिसने इशू किया है, हर्षना के खिलाफ, आपने तो बनाया है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एविडेंस, ठीक है, अगेंस्ट यू, कैन यूज यू। एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से पढ़ना, आंसर लगाना, आगे चलते हैं, ठीक है। और जैसे यामिनी का भी एग्जांपल बहुत बढ़िया था, लीज अगर हमने करी है तो एक बहुत अच्छे वर्ड भी बोले, कबूलियत, और एक और वर्ड था, क्या बोला था, पट्टा अधिकारी, तो जिस इंसान के फेवर में जा रहा है, जिस इंसान के फेवर में वो गया है, जिसने एग्जीक्यूट किया है लीज पे, जिसने मैंने साइन किया, मैं लीज दे रहा हूँ किसी को, तो all that evidence can be used as a primary evidence against me, क्योंकि मेरे साइन है उसमें, ठीक है, बट जिसके फेवर में है उसके लिए वो सेकेंडरी एविडेंस हो सकता है। चलो आगे चलते हैं, तो एक्सप्लेनेशन को ध्यान से पढ़ना ही, यही इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है एमसीक्यू का। ये वाली लाइन जो मैंने लिखी ना लास्ट वाली, प्राइमरी एविडेंस अगेंस्ट द पार्टी एग्जीक्यूटिंग इट, इसको ध्यान में रखना, आप आंसर दे जाएंगे। नाउ एक्सप्लेनेशन नंबर 2 सेज, वेयर अ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट आर मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस। वन यूनिफॉर्म प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि एक, अगर सपोज कीजिए, अच्छा एक बात बताइए, अगर मेरे पास फोटोस्टेट मशीन है, मैंने फोटोस्टेट पे एक डॉक्यूमेंट रखा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखा,
और मैंने उसकी 10 फोटो कॉपी निकाली है, तो जो फोटो कॉपी है वो प्राइमरी एविडेंस है सेकेंडरी एविडेंस है? सेकेंडरी एविडेंस। अगर निकाली तो वो सारे डॉक्यूमेंट विल बी द सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अच्छा, और लोग भी बोलिए क्या नाम है श्रेष्ठा। यस सर। श्रेष्ठा आर यू लिसनिंग? यस। अब बताइए, फोटो कॉपी निकाली मैंने, वो प्राइमरी एविडेंस है सेकेंडरी एविडेंस? सेकेंडरी। क्यों? क्योंकि वो ओरिजिनल का कॉपी है। ठीक है, लेकिन अब एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। अगर सपोज कीजिए आपने वहां गया फोटो खिंचवाने स्टूडियो में, यस सर, यही मैं एग्जांपल दूं वाली, स्टूडियो का हैंडबुक, आप उससे बोलते होंगे भैया 10 कॉपी निकाल देना। यस सर। बात है ना, छोटे से पासपोर्ट साइज। यस सर। तो वो जितनी कॉपी निकली है वो सेकेंडरी एविडेंस है प्राइमरी एविडेंस है? वो प्राइमरी है। क्यों? क्योंकि वो एक ही यूनिफॉर्म प्रोसेस से निकले, एक ही बारी में निकल गई, वो उसको काट काट के वो दे देता है। ठीक है, वेयर अ नंबर ऑफ अ डॉक्यूमेंट आर मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस एज इन द केस ऑफ प्रिंटिंग लिथोग्राफ फोटोग्राफ ईच इज अ प्राइमरी एविडेंस। ठीक है, बट वेयर दे आर ऑल कॉपीज ऑफ द कॉमन ओरिजिनल दे आर नॉट प्राइमरी। लेकिन अगर मैंने कॉपी निकलवाई उसी की तो फिर वो सेकेंडरी हो जाएगा। लेकिन अगर ओरिजिनल प्रोसेस से एक ही मशीन से एक ही बारी में सारे डॉक्यूमेंट निकलते हैं, ये ऐसा आपने देखा होगा कई बार हम कॉन्ट्रैक्ट जब करते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट की कई सारी कॉपी निकलवाते हैं एक ही टाइम पे, फोटो कॉपी नहीं कह रहा, ओरिजिनली, और उन पे साइन भी करते हैं, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ प्राइमरी एविडेंस नॉट अ सेकेंडरी एविडेंस। बात समझ में आ गई? हाँ जी बोलिए। Yes, अब आ जाते हैं सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है। सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, चलिए इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। अ पर्सन इज शोन टू हैव बीन इन पोजीशन ऑफ नंबर ऑफ प्लेकार्ड्स ऑल प्रिंटेड वन टाइम फ्रॉम द वन ओरिजिनल, एनी वन ऑफ द प्लेकार्ड इज अ प्राइमरी एविडेंस कंटेंट ऑफ एनी अदर बट नॉन ऑफ देम इज अ प्राइमरी एविडेंस कंटेंट ऑफ ओरिजिनल। तो ये वही बात है, अगर यूनिफॉर्म प्रोसेस से निकाली गई है, एक के ओरिजिनल के ही सारे निकाल दिए गए हैं, एक ही टाइम में निकाले गए हैं, चाहे उसकी हजारों कॉपी हो, ठीक है, तो वो ओरिजिनल होंगी, चाहे हजारों या लाखों कॉपी हो, एक ही टाइम में एक ही प्रोसेस से निकाले गए हैं, इट वुड बी अ प्राइमरी एविडेंस। बट अगर उसकी कॉपी करके निकाली गई है, दैट वुड बी सेकेंडरी एविडेंस। अब सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, सेकेंडरी एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स क्या क्या चीज कवर की गई है सेकेंडरी एविडेंस में। सेकेंडरी एविडेंस होता है सर्टिफाइड कॉपीज गिवन अंडर द प्रोविजन हेरेफ्टर कंटेन। सर्टिफाइड कॉपी, जैसे हमने कोर्ट से ऑर्डर निकलवाया सर्टिफाइड कॉपी, एक होते कोर्ट की ओरिजिनल कॉपी जो कोर्ट की ही फाइल में लगा हुआ है। अब हमारी कुछ चीज खो गई है, मेरे को सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, तो कोर्ट की फाइल से निकलवा कर उसकी फोटो कॉपी करवा कर उस पर कोर्ट की स्टैंप लगकर मेरे पास आएगी, दैट इज कॉल्ड सर्टिफाइड कॉपी। ठीक है, जब कभी प्राइमरी एविडेंस नहीं होता तो चीजें सेकेंडरी एविडेंस से भी सिद्ध की जाती है। कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस व्हिच इन देमसेल्फ इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द कॉपी एंड द कॉपीज कंपेयर्ड विद द सच कॉपीज। कॉपीज बनाई गई फ्रॉम द ओरिजिनल से बनाई गई यानी फोटो कॉपी हो गई। ठीक है, मैकेनिकल प्रोसेस यानी फोटोस्टेट मशीन, और जिससे बिल्कुल एज इट इज कॉपी छपी हुई है तो वो ओरिजिनल सेकेंडरी हो जाएगी। ऐसा नहीं कि पहले एक ओरिजिनल निकाला, फोटो कॉपी निकाली, साइन कर दिए, फिर दोबारा उसकी फोटो कॉपी निकाली, दैट विल नॉट बी अ सेकेंडरी एविडेंस, वो टेम्पर्ड हो जाएगी क्योंकि उस पर आपने साइन करे बाद में। तो फोटो ओरिजिनल की फोटो कॉपी निकालना, दैट कुड बी अ सेकेंडरी एविडेंस। कॉपीज मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल, कई बार आपने देखा होगा कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हो सकते हैं जिसकी हमें ट्रांसलेशन चाहिए होती है, कंपेयर किया जाता है ओरिजिनल से। कॉपीज मेड फ्रॉम मतलब उसको देखकर हमने बनाई है या ओरिजिनल के साथ कंपेयर कर हमने कुछ चीज बनाई, जैसे ट्रू ट्रांसलेशन होता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या है, उर्दू में लिखा है, वो तो जज को भी नहीं समझ में आएगा, तो ट्रांसलेटेड कॉपी होती है, तो उसमें जो ट्रांसलेटर होता है ना वो भी अटेस्ट कर देता है कि हाँ दिस इज अ मैंने ओरिजिनल से ट्रांसलेट करके बनाई, दैट कैन बी यूज्ड एज अ सेकेंडरी एविडेंस।
नाउ काउंटर पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट इज अगेंस्ट द पर्सन हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम। ये बात मैं आपको समझा चुका हूं कि अगर जिसके फेवर में चेक बना है तो दैट विल बी कंसीडर्ड द सेकेंडरी एविडेंस अगर वो पेश करता है तो। नाउ ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट गिवन बाय द पर्सन हु हैज हिमसेल्फ सीन इट। अब जरूरी नहीं है कि मैंने आपको एक बात बताई थी कि ओरल एविडेंस जनरली नहीं दिया जाता जहां पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, लेकिन कुछ चीजें सेकेंडरी एविडेंस से भी सिद्ध की जाती है। तो कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जिसका ओरल एविडेंस दिया जा सकता है जब प्राइमरी नहीं है, नहीं अवेलेबल है तो ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। अब ये बातें कहाँ लिखी है? सेक्शन 63 के 5 को पढ़ने के लिए हमें सेक्शन 65 पढ़ना पड़ेगा। और लेकिन जो ओरल एविडेंस कौन देगा? सिर्फ वही इंसान दे सकता है, ओरल अकाउंट ऑफ द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट गिवन बाय द सम पर्सन हु हैज हिमसेल्फ सीन इट, जिसने खुद देखा होगा, सिर्फ वही ओरल एविडेंस दे सकता है जहां पर प्राइमरी एविडेंस नहीं है, और अगर वो देगा तो दैट वुड बी अ सेकेंडरी एविडेंस। ये बात समझ में आई आपको? तो यानी कहने का मतलब है 63 का जो 5 है इसके लिए हमें कौन सा सेक्शन पढ़ना पड़ेगा? 65। कई बार ऐसा होता है कि ओरिजिनल लीक हो गए, ओरिजिनल भी नहीं है, फोटोकॉपी भी नहीं है, तो तब तो ओरल एविडेंस लिया जाएगा। हाँ जी बताइए। यस सर। यामिनी अर्शना। यस सर। अगर ओरिजिनल भी नहीं है, फोटोकॉपी भी नहीं है, तो फिर क्या होगा? सो ओरल एविडेंस। देन ओरल एविडेंस कैन बी गिवन। और ओरल एविडेंस जो होगा वो प्राइमरी होगा सेकेंडरी होगा? सो ओरल में प्राइमरी और सेकेंडरी कहाँ होता है? इस सिचुएशन में तो सेकेंडरी हो गया ना, ये जब ये यहाँ पर ओरल एविडेंस दिया जा रहा है ना उस कंटेंट डॉक्यूमेंट का। When the person someone who has himself seen, उसने देखा है वो डॉक्यूमेंट, सिर्फ वही दे सकता है फिर? जिसने ओरल ओरल डॉक्यूमेंट देखा वो नहीं, जिसने सेकेंडरी डॉक्यूमेंट देखा। ठीक है, तो इसके अभी इलस्ट्रेशन है कुछ। फोटोकॉपी अ फोटोग्राफ ऑफ ओरिजिनल इज अ सेकेंडरी एविडेंस। फोटोग्राफ ऑफ ओरिजिनल की फोटोग्राफ निकाल ली, सेकेंडरी हो जाएगा। Though the two have not been compared, if it is proved that the thing photograph was original. A copy compared with a copy of a letter made by the copying machine is a secondary evidence of the content of a letter. It is shown that the copy made by the copying machine was. ठीक है, तो photo machine से हमने दो copy निकाली है। A copy transcribed from a copy, but afterward compared with the original. एक कॉपी जो एक कॉपी बनाई है लिखकर ट्रांसक्राइब्ड कर और बाद में कोर्ट ने उसको कंपेयर कर लिया, हाँ कि ये जेन्युइन कॉपी है, मतलब जो ओरिजिनल की ही एक कॉपी बनाई गई है। जैसे आपने देखो ट्रू ट्रांसलेटेड होती है ना कॉपी, आपने एफआईआर देखी होगी, एफआईआर को पढ़ना आसान होता है कई बार। एफआईआर कॉपी देखी है आपने? एफआईआर ओरिजिनल एफआईआर। हाँ जी बताइए। हैंड रिटन रहती है तो थोड़ा मुश्किल होती है। हैंड रिटन क्या, अगर मैं वैसी भी दिखाऊंगा ना आपको पढ़ने, आप तो पढ़ लोगे लेकिन हाई कोर्ट के जज पढ़ लेंगे क्या? हाई कोर्ट के जज क्या कहते हैं, भाई इसकी ट्रू ट्रांसलेटेड कॉपी लेके आई और उसको टेस्ट कर दीजिए कि हाँ दिस इज अ ट्रू ट्रांसलेटेड कॉपी। तो क्या होता है, एक जज भी कई बार कंपेयर कर लेता है, और हाई कोर्ट में कभी भी मैक्सिमम केसेस में ट्रू ट्रांसलेटेड कॉपी लगती है। यस सर। वो नहीं चलती, क्या कहते हैं इसको, डायरेक्ट अगर आप लगा दोगे ना। अच्छा एक बात बताइए, 164 के बयान किसकी राइटिंग में होते हैं? अगर एक लड़की है जो कंप्लेंट करती है कि मेरे साथ थोड़ा सा ईव टीजिंग वगैरह हुई है, मतलब आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन 354 का मामला है, और या 164 या उसके रेप का मामला है, तो उसकी जो गवाही होगी 164 में मजिस्ट्रेट के सामने होती है, ये बात पता है? यस सर। वो जब स्टेटमेंट होती है तो किसकी राइटिंग होती है, वो किसकी हैंड रिटन में लिखा जाता है? वो तो जो पर्सन इंफॉर्मेशन देता है। गलत, आगे बोलिए। और किसी को मजिस्ट्रेट के अंडर में, अरे अंडर वंडर नहीं है, सीधा मजिस्ट्रेट ही लिखता है। ठीक है, मैक्सिमम केस में क्या होता है, 154 क्या है, 154 से क्या लेना देना, एफआईआर की थोड़ी ना बात करो, मैं 164 के बयान की बात कर रहा हूँ। 164 में जब भी बयान होता है ना मजिस्ट्रेट लिखता है उसको अपने हाथ से। यस सर।
एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, 164 में जब लड़की बयान दे रही होती है ना, जितनी बार वो गड़बड़ करेगी ना वो भी लिखता है मजिस्ट्रेट। तो वो जो जो वो वर्ड बोलती है वो एज इट इज लिखता है, एज इट इज, उसमें कॉमा है तो कॉमा ही है, फुल स्टॉप है तो वहां फुल स्टॉप ही लगेगा, ठीक है। तो हल्का सा भी मतलब बिल्कुल एज इट इज लिख गया तो मजिस्ट्रेट लिखता। अब एक बार बताओ मेरी राइटिंग आपको समझ में आ जाती है? ऐसी मजिस्ट्रेट की राइटिंग में समझ में नहीं आई हाईकोर्ट के जज को, तो वो क्या कहते हैं भाई इसकी कॉपी को ट्रांसलेट करवा के लाइए क्या लिखा है, उसमें सिर्फ एक अटेस्टेशन लिख देते हैं कि इट इज अ ट्रू कॉपी। अब जो कॉपी जो है, अब जो कॉपी जो बनाई है मैंने, ठीक है, हम उसको क्या करते हैं अपनी राइटिंग में लिखते टाइप करवा के लाते हैं। शायद अब आप लोग हाईकोर्ट जाओगे तो आप इस चीजों को देखोगे, ये सारी बातें, तो कोर्ट कहाँ पड़ेगा, कोर्ट पे तो टाइम है कि वो पहले मजिस्ट्रेट के जो लिखी है उस राइटिंग को समझे, वो तो समझ ही नहीं आएगी, आधे दिन तो उसी में खर्च हो जाएगा, सर में दर्द दूर हो जाएगा कोर्ट के, हाई कोर्ट के या किसी और कोर्ट के। तो उस वक्त क्या करता है, जैसे आप ये देख रहे हो ना बैरेट टाइप्ड है, वैसे ही टाइप करवा के लाते हैं फिर उसको। तो जो टाइप करवा के लाए होंगे, जो टाइप करवा के लाए होंगे वो कैसा एविडेंस है, प्राइमरी है सेकेंडरी है? सेकेंडरी, इतना ही समझ लीजिए वो सेकेंडरी हो गया, ठीक है। लेकिन कोर्ट कंपेयर तो करके देखेगा, ओरिजिनल के साथ मिला के तो देख सकता है। अ कॉपी ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम अ कॉपी बट आफ्टरवर्ड कंपेयर विद द ओरिजिनल इज अ सेकेंडरी एविडेंस, बट द कॉपी नॉट सो कंपेयर्ड इज नॉट अ सेकेंडरी एविडेंस ऑफ ओरिजिनल, ठीक है। नीदर एन ओरल अकाउंट ऑफ द कॉपी कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल नॉर एन ओरल अकाउंट ऑफ द फोटोग्राफ मशीन इज अ सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द ओरिजिनल। तो ये हमारा हो गया कि आपको ये सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, ठीक है। इसमें लिखने की तो मुझे जरूरत नहीं लग रही है, कई बार डॉक्यूमेंट क्या होता है, एक सेकंड हाँ बताइए। तो वो कह रहे हैं कि अगर आफ्टरवर्ड कंपेयर हो रहा है तो सेकेंडरी एविडेंस है, लेकिन अगर कंपेयर नहीं कर रहा है तो सेकेंडरी एविडेंस नहीं। अगर 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 उसने डॉक्यूमेंट वो ओरिजिनली प्लेस करा है देन इट वुड बी प्राइमरी एविडेंस। कई बार कंपेयर करके जरूरत नहीं है ना उसके ओरिजिनल की, तो कोर्ट कहता भाई एक काम है, ठीक है ये ट्रांसक्राइब्ड कॉपी है ये, ठीक है इससे काम चल जाएगा, वो सेकेंडरी एविडेंस। जरूरी थोड़ी ना है कि हर चीज का प्राइमरी एविडेंस लगाया जाए, सेकेंडरी एविडेंस से तो चीजें सिद्ध हो सकती है। तो सर जैसे आपने एग्जाम्पल दिया 164 की, जो जो स्टेटमेंट होती है अगर उसको कंपेयर नहीं करता है कोर्ट और मजिस्ट्रेट ने जो मतलब जो जो ट्रांसक्राइब जो फॉर्म में लेकर आया उसी को अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो वो नीचे की कोर्ट की, तो वो जो डॉक्यूमेंट लगा हुआ है जज की हैंड राइटिंग में दैट वुड बी अ प्राइमरी एविडेंस। लेकिन अगर उसका ट्रांसक्राइब करके अगर ट्रांसलेट वो सेकेंडरी होगा, वो सेकेंडरी है, ओरिजिनल थोड़ी ना रहा वो। हम लोग भी लगाते हैं ना इसको, मजिस्ट्रेट के 164 के बयान हो गए, एफआईआर की कॉपी हो गई, एफआईआर कई बार देखो दिल्ली में तो टाइप्ड होती है, यूपी वगैरह में हाथ से लिखते थे पता ही नहीं चलती, और कई बार उसकी तो लैंग्वेज भी समझ में नहीं आती, पता नहीं कितनी क्या क्या लिखते हो। यूपी वाली लैंग्वेज तो एक्चुअली हिंदी में भी लिखते है ना, तो हिंदी में वर्ड्स भी ऐसे यूज करते हैं समझ भी नहीं आता। हाँ जी थोड़ी प्रॉब्लम आती है, चलो आगे चलते हैं। हाँ बोलिए सर, यहाँ पर 63 क्लॉज 3 में लिखा है कि कॉपी मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल, अगर ओरिजिनल से कॉपी बनाई गई है तो कंपैरिजन की भी जरूरत नहीं होगी, लेकिन जो हम इसमें पढ़ रहे हैं ना सी में लिखा है कॉपी ट्रांसक्राइब फ्रॉम अ कॉपी, अगर वो कॉपी से कॉपी बनाई गई है तब कंपैरिजन की जरूरत होगी, अदरवाइज इट विल नॉट काउंट एज सेकेंडरी एविडेंस। देखो एक चीज मैं बताता हूँ, जब हम प्रैक्टिकल में जाते हैं ना तो इंसान कॉपी से कॉपी भी कंपेयर कर सकता है, जब जिसका हमारे पास ओरिजिनल है ही नहीं, अ कॉपी ट्रांसक्राइब फ्रॉम अ कॉपी, तो कॉपी से अगर कॉपी भी बनाई वो भी सेकेंडरी एविडेंस, क्योंकि कॉपी इटसेल्फ अ सेकेंडरी एविडेंस। हाँ लेकिन सर उसके लिए कंपेयर करना पड़ेगा, वो मैंडेटरी हो जाएगा यहाँ पर कंपैरिजन विद द ओरिजिनल। लेकिन एक बार बताओ,
अगर आपने डॉक्यूमेंट लगाया कोर्ट में जो ओरिजिनल नहीं है, वो डॉक्यूमेंट कैसा होता है? सेकेंडरी तो होगा फिर वो, ठीक है? देखो एक चीज और समझे, कॉपीज मेड फ्रॉम किससे बनाई गई कॉपी? ओरिजिनल को देखकर ही बनाई गई होगी, और कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल, जब कोर्ट कंपेयर करती है वो, लेकिन डॉक्यूमेंट जब कंपेयर कर रही है तो वो ओरिजिनल हो ही नहीं सकता ना, ओरिजिनल तो एक ही हो सकता है ना किसी चीज का। अगर सेवरल डॉक्यूमेंट बने हैं तो सारे सेवरल ओरिजिनल हो सकते हैं, लेकिन हम बात करें कॉपीज, ओरिजिनल की कॉपी अपने आप में सेकेंडरी होती है। ओरिजिनल को जब हम किसी और डॉक्यूमेंट से कंपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब ओरिजिनल नहीं है, तो सेकेंडरी हो गया। सी में कह रहा है अ कॉपी ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम अ कॉपी, कॉपी से कॉपी बनाई है, कई बार ओरिजिनल ही नहीं है। तो कॉपी से कॉपी भी, अगर सपोज मैं आपको अपनी बताता हूँ, मेरे पास तो एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आज भी नहीं है, ठीक है? ध्यान से सुनना, मेरे पास एक प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट आज भी ओरिजिनल नहीं है, लेकिन उसकी फोटोकॉपी है, और फोटोकॉपी भी किसमें? उर्दू में। फोटोकॉपी किसमें? वो भी उर्दू में। अब मैंने क्या किया, उसको ट्रांसलेट कराया, उर्दू वाले के पास गया मैंने, उसको ट्रांसलेट कराया। तो अ कॉपी ट्रांसक्राइब फ्रॉम अ कॉपी बट आफ्टरवर्ड कंपेयर विद ओरिजिनल, तो मुझे मिलेगा ही नहीं, लेकिन कॉपी अपने आप में क्या है? कॉपी भी तो सेकेंडरी है, सेकेंडरी से मैंने कॉपी बनवा ली तो अब भी वो सेकेंडरी कॉपी है, वो अपने आप में सेकेंडरी एविडेंस ही होगा। इज अ सेकेंडरी एविडेंस बट द कॉपी नॉट सो कंपेयर्ड, जिसको कंपेयर नहीं किया गया, इज नॉट अ सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द ओरिजिनल। ऑल द कॉपी फ्रॉम विच इट इज ट्रांसक्राइब्ड वाज कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल। समझना, अगर ओरिजिनल नहीं है तो हमेशा डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंस है वो सेकेंडरी ही होगा। अगर यूनिफॉर्म प्रोसेस से बना है तो प्राइमरी होगा बस, ठीक है? टेक्निकलिटी में भी मत जाओ, आंसर आप किसी को सॉल्व कीजिए, हो जाएंगे सॉल्व, मेन सा क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन हाँ, ये चीजें पता होनी चाहिए बिल्कुल बारीकियों से। अब कुछ बातें भी लिख लेते हैं, 63 क्या नाम है, ठीक है 63 हो गया। अच्छा, ये कहता है प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्राइमरी एविडेंस, डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूफ बाय प्राइमरी एविडेंस एक्सेप्ट इन केस हियरिंग आफ्टर। जनरली कोई भी डॉक्यूमेंट होगा प्राइमरी एविडेंस से दिया जाना चाहिए, लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है जहां पर कुछ सेकेंडरी एविडेंस से चीजें भी सिद्ध की जाती है। ऐसा तो है नहीं कि हमारा प्राइमरी नहीं है तो हम कभी सिद्ध ही नहीं कर पाएंगे बात को। तो केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटेड डॉक्यूमेंट में भी गिवन दिया जा सकता है। कब दिया जा सकता है सेकेंडरी एविडेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडरी एविडेंस में भी गिवन ऑफ द एग्जिस्टेंस कंडीशन और कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन द ओरिजिनल इज शोन और अपीयर टू बी इन द पोजीशन और द पावर ऑफ द पर्सन अगेंस्ट होम द डॉक्यूमेंट इज सॉट टू बी प्रूव्ड। अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है जिसके अगेंस्ट मैंने केस फाइल किया है, जिसके खिलाफ मुझे केस सिद्ध करना है उसी के पास, और ऑफ अ पर्सन आउट ऑफ रीच, या वो मेरी रीच से बाहर है, और नॉट सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, या ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको कोर्ट में नहीं लाया जा पाएगा, और एनी पर्सन लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस इट। तो इन कंडीशन में व्हेन द ओरिजिनल शोर ऑफ इट टू बी इन पोजीशन द पावर, यानी तीसरे इंसान के पास है जिसके खिलाफ मुझे अगेंस्ट प्रूफ करना है, आउट ऑफ रीच है, सब्जेक्ट नॉट सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ कोर्ट में नहीं लाया जा सकता, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट जिसको नहीं लाया जा सकता, तो सेकेंडरी एविडेंस से काम चल जाएगा, ठीक है? और व्हेन आफ्टर नोटिस मेंशन इन सेक्शन 66 पर्सन डज नॉट प्रोड्यूस इट, या फिर किसी इंसान को नोटिस दिया, एक बात ध्यान रखना यहाँ पर, हमने किसी को नोटिस दिया भाई तुम्हें एक डॉक्यूमेंट कोर्ट में लाना है, अगर वो नहीं लाता है और उसके पास है तो क्या वो बाद में अपने फेवर के लिए ला सकता है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कोर्ट में? नहीं सर। दोबारा सुनिए, थोड़ा टेक्निकल है। सपोज मैंने कहा कि ये मेरा किराएदार है, मेरा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो इसी के पास है, और किराएदार कहता है कि मेरे पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, बाद में कंट्रोवर्सी चलती है कि भाई ये डॉक्यूमेंट पेश करता है, किराएदार ही पेश करता है, क्या वो कोर्ट में डॉक्यूमेंट पेश कर सकता है बाद में? नो सर, ही कैन नॉट।
अगर उसने एक बार मना कर दिया कि आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू प्रोड्यूस इट, लेटर ऑन ही कैन नॉट प्रोड्यूस, वो प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है, तो व्हेन आफ्टर गिविंग अ नोटिस सच पर्सन डस नॉट प्रोड्यूस इट, अगर वो नहीं करता है तो जो मालिक है वो सेकेंडरी एविडेंस दे सकता है, ठीक है, और इनफैक्ट वो अपने फेवर के लिए भी बाद में, लेकिन हाँ दे सकता है, लेकिन कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। बी पढ़ते हैं, मैं लिखवाऊंगा अभी इसको शॉर्ट में भी लिखवा दूंगा आपको। When the existence, condition, or content of an original have been proved to be admitted in the writing by the person against whom it is proved, or by a representative in interest. Secondary evidence तब भी दिया जा सकता है, कब, जब किसी डॉक्यूमेंट का होना या उसी कंडीशन या कंटेंट को लेकर have been proved to be admitted, ये बात सिद्ध की जा चुकी है कि डॉक्यूमेंट एडमिट कर लिया गया है उस इंसान की लिखित राइटिंग में जिसके खिलाफ ये सिद्ध करना है, ठीक है। सपोज ओरिजिनल नहीं है, जब ओरिजिनल है ही नहीं तो फोटोकॉपी लगाई जा सकती है, फोटोकॉपी मैंने लगाई और फोटोकॉपी के आधार पर ही सामने वाली पार्टी ने उस बात को एडमिट कर लिया है तो ओरिजिनल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे मैंने अपना केस बताया, मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है बट फोटोकॉपी तो है, और उस फोटोकॉपी के आधार पर सामने वाली पार्टी एडमिट कर लेती है लिखित में कुछ बात, देन वो सेकेंडरी एविडेंस अपने आप में काफी रहेगा। When the original has been destroyed or lost, जब original document है खो गया हो या destroy हो गया, और when the party offering evidence of its content cannot by for reason not arising for his own default, खुद की गलती की वजह से नहीं, ना ही उसकी लापरवाही की वजह से, court में अगर reasonable time पे वो document नहीं ला पाती है क्योंकि खो चुका है, destroy हो चुका है, उसकी खुद की लापरवाही की वजह से नहीं, वो खो चुका हो, ये रीजनेबल टाइम में नहीं ला जा सकता, तो सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। व्हेन द ओरिजिनल इज ऑफ सच अ नेचर और इज नॉट इजीली मूवेबल, कई बार आपने देखा होगा कि डॉक्यूमेंट्स कई बार बहुत बल्की होते हैं, इतने हैवी होते हैं, सो कोर्ट में नहीं लाया जा सकता, सेकेंडरी एविडेंस से काम चला जाएगा। व्हेन द ओरिजिनल इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 74, अब पब्लिक डॉक्यूमेंट जो सेक्शन 74 में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में अगर हम लाएंगे तो टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा, इससे बेटर है कि उसकी सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। एफ कहता है व्हेन द ओरिजिनल इज अ डॉक्यूमेंट व्हिच इज अ सर्टिफाइड कॉपी इज परमिटेड बाय दिस एक्ट, बिल्कुल सिंपल सी बात है, जब हम किसी डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी अलाउड करती है, जनरली अलाउड होता है, सर्टिफाइड कॉपी से काम चल जाता है, सर्टिफाइड कॉपी इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू ओरिजिनल, तो सर्टिफाइड कॉपी जब अलाउड की गई है सर्टिफाइड कॉपी दी जा सकती है जब ओरिजिनल अवेलेबल नहीं है। व्हेन द ओरिजिनल कंसिस्ट ऑफ अ न्यूमरस अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट व्हिच कैन नॉट कन्वीनिएंटली बी एग्जामिन द कोर्ट, कई बार इतनी वॉल्यूमिनस इतने नंबर्स ऑफ डेटा या अकाउंट्स में वो चीज होती है जिसको कोर्ट में लाएंगे, कोर्ट खुद एग्जामिन नहीं कर पाएगी। And the fact to be proved is a general result of the whole collection. बहुत ज्यादा collection है, इतना संग्रहालय है, इतनी बड़ी चीज है, court में impossible है लाना, तो secondary evidence can be given. अब ये कहता है in case A, C, D, any secondary evidence of the content of the is admissible. A, C, D कौन कौन सी बातें हैं, ठीक है, A हो गया, B हो गया, B नहीं है, बी को छोड़ देंगे, ए सी डी, देखो वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको पढ़ना भी, लेकिन फिर भी आप पढ़ लेंगे ए सी और डी, उसमें जो है ये डॉक्यूमेंट्स सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट डॉक्यूमेंट एडमिसिबल है। इन केस ऑफ बी द रिटन एडमिशन इज एडमिसिबल, रिटन एडमिशन मतलब जो दूसरी पार्टी है अगर फोटोकॉपी से कुछ चीज सिद्ध की जा रही है लेकिन अपोजिट पार्टी जो है वो एडमिट कर चुकी है बात, तो उसका रिटन एडमिशन होना जरूरी है। और इन केस ई और एफ अ सर्टिफाइड कॉपी डॉक्यूमेंट्स बट नो अदर काइंड ऑफ सेकंड एविडेंस एडमिसिबल, कुछ मामलों में सिर्फ सर्टिफाइड कॉपी ही चलती है। अब जैसे अगर आप कोर्ट में कई बार अपील कर रहे हैं तो कोर्ट सर्टिफाइड कॉपी ही मानेगी और कोई डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा। इन केस जी एविडेंस मे बी गिवन एज अ जनरल रिजल्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय एनी पर्सन हु हैज एग्जामिन्ड देम एंड हु इज स्किल्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट, तो जी क्या कहता है, जनरल रिजल्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट बाई द पर्सन हु हैज एग्जामिन्ड देम, जी निकाल लेते हैं इसको। व्हेन द ओरिजिनल कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस अकाउंट्स,
और अदर डॉक्यूमेंट विच कैन नॉट कन्वीनियंटली बी एग्जामिन द कोर्ट, कोर्ट में उसका. अच्छा देखो इसमें क्या होता है, कोर्ट के कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, आई मीन कोई डॉक्यूमेंट ऐसे हो सकते हैं जिसको कोर्ट में एग्जामिन करना डिफिकल्ट होगा, जैसे कोई अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन है बहुत ज्यादा न्यूमरस में है, तो उसमें क्या होता है सिर्फ कोर्ट उस इंसान को एग्जामिन कर सकती है जिसने उनको एग्जामिन किया उन डॉक्यूमेंट्स को, जैसे ऑडिटिंग की रिपोर्ट हो गई, इनके एविडेंस में भी गिवन एज अ जनरल रिजल्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, उन सारे डॉक्यूमेंट्स का रिजल्ट क्या निकल के आया है बाय एनी पर्सन हु हैज एग्जामिन्ड देम, जैसे ऑडिट की रिपोर्ट हो गई, ठीक है समझ रहे हो आप, आज सीए ने लिख के दे दिया गया है डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये चीजें है, और फिर तो चार पांच पेज में अपनी रिपोर्ट बना के दे देगा वो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अगर आप देखोगे क्या कंपनी के ऑडिटिंग की जो रिपोर्ट है, कंपनी के ऑडिटेड ऑडिट जहां पर हुआ है, वो सारे जो खाते हैं भाई खाते लीजर लेजर जो है उनके, कोर्ट में अगर मंगाएंगे कोर्ट कहां तक उसको ढूंढता रहेगा, तो द पर्सन कैन गिव अ रिपोर्ट, वो रिपोर्ट जो होगी वो सेकेंडरी एविडेंस होगी और उसके आधार पर कोर्ट अपने जजमेंट दे सकता है, ठीक है बात समझ में आ गई है. Yes. अच्छा एक बात बताओ, मेरे पढ़ाने के बाद एक बार पढ़ते हो घर पे? Yes, sir. अगर नहीं पढ़ोगे ना तो कल भूल जाओगे, आने से पहले मेरे बाद और एक बार और पढ़ना पड़ेगा. तो 65 ये हो गए, इम्पोर्टेंट है 65, 65 ए और 65 बी में से क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू को लेकर, ये कब ऐड हुआ. पहले मैं आपको 65 के बारे में कुछ लिखवा भी देता हूँ, एक दो केस भी है छोटे छोटे वो लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात कर रहे थे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कैन बी प्रूव्ड ईदर बाय प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी की हमने बात पढ़ी है 62 में, सेक्शन 62 में हमने पढ़ा प्राइमरी एविडेंस क्या होता है, ठीक है. प्राइमरी एविडेंस में हमने क्या क्या चीज पढ़ा है, प्राइमरी एविडेंस जो होता है वो अपने आप में डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है डॉक्यूमेंट इटसेल्फ. अगर डॉक्यूमेंट सेवरल पार्ट्स में बना है, यानी कई बार डॉक्यूमेंट हमने डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं, ट्रिप्लीकेट भी बनाते हैं. ट्रिप्लीकेट कॉपी देखी आपने कभी, किस डॉक्यूमेंट की ट्रिप्लीकेट कॉपी बनती है? आपने देखा होगा जब मॉर्गेज रखवाते हैं ना, मॉर्गेज बैंक में तीन तीन कॉपी बनाता है सेम सी, और तीनों पे साइन लेता है तो तीनों ओरिजिनल हो जाएगी. जैसे अगर मैंने अगर कोई फ्लैट लिया है तो एक तो रोजिलिया के पास सिग्नेचर ग्लोबल के पास कॉपी हो गई, एक मेरे पास हो गई ऑनर के पास हो गई, और एक हो गई जो बैंक के पास हो गई, तो तीन कॉपी बनाई तो तीनों ओरिजिनल अपने आप में प्राइमरी एविडेंस है. कोई भी चीज हो सकती है पार्टीशन डीड है, उसकी तो दसियों कॉपी बन सकती है, पार्टीशन में कई सारी पार्टी होती है, कई बहन भाई होंगे, ट्रिप्लीकेट हो सकती है. अब बाकी आप देख लेना बाकी वो क्या बोलते हैं, चार को क्या बोलेंगे, क्वाड बोलेंगे, क्वार्टर्ड, फिर वो हेक्सा पेक्सा हो गया, छह सात पता नहीं क्या क्या आठ, देख लेना आपने आप उसका डॉक्यूमेंट इन एग्जीक्यूटिंग द काउंटर पार्ट. अच्छा काउंटर पार्ट में की गई है, ईच काउंटर पार्ट इज अ प्राइमरी फेसा एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा ईच काउंटर पार्ट. अगेन द पार्टी साइनिंग इट, या तो साइनिंग वर्ड देख लेना, वैसे बेरेक में एग्जीक्यूटिंग लिखा है, ठीक है एग्जीक्यूटिंग इट, जिसने उसको एग्जीक्यूट किया है. साइन में इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि आपको मैंने बैंक का चेक का एग्जाम्पल दिया है. और नेक्स्ट होगा प्राइमरी एविडेंस क्या होगा, जब कोई एक यूनिफॉर्म प्रोसेस से चीजें बनी हो, यूनिफॉर्म प्रोसेस से, और ये जो प्राइमरी एविडेंस होता है इसका क्रक्स क्या निकल गया है, प्राइमरी एविडेंस अपने आप में क्या है, बेस्ट एविडेंस है, इट इज अ बेस्ट एविडेंस. अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है तो अपने आप में एक प्राइमरी बेस्ट एविडेंस होता है. सेक्शन 63 में हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 63 में हमने पढ़ा सेकेंडरी एविडेंस. सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, जब प्राइमरी अवेलेबल नहीं है तो सेकेंडरी एविडेंस से भी काम चलाया जाएगा, लेकिन सेकेंडरी एविडेंस है क्या, पहला है इसमें सर्टिफाइड कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी को सीसी लिख रहा हूं मैं, कॉपी विच आर मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय द मैकेनिकल प्रोसेस, कॉपी बनाई गई है. कॉपीज तो आपके पास क्वेश्चन आता है क्या फोटोकॉपी कैसी है,
फोटो कॉपीज जो है आपकी वो सेकेंडरी एविडेंस है. कॉपीज मेड बाय द मैकेनिकल प्रोसेस बाय द ओरिजिनल, ओरिजिनल से बनाई गई है. एक केस था, केस का नाम था अशोक और सिंह माधोलाल. केस नाम लिख लेना, इसी में तीसरे में है, अशोक वर्सेस माधोलाल. ये केस है 1975 का. ये केस क्या कहता है, जब कोई ओरिजिनल जो है ना, इफ ओरिजिनल इन पोजेशन ऑफ एडवर्स पार्टी. ठीक है, एडवर्स पार्टी कौन सी होती है, जिसके खिलाफ हमें डॉक्यूमेंट साबित करना है. अगर कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है पोजेशन है एडवर्स पार्टी के पास है प्रॉपर वो डॉक्यूमेंट, तो सेकेंडरी एविडेंस फोटोकॉपी दी जा सकती है. फोटोकॉपी कैन बी गिवन, इट इज, इट वाज हेल्ड इन द अशोक वर्सेस माधोलाल के केस में. अच्छा, कॉपी बनाई गई है, कॉपी मेड फ्रॉम ओरिजिनल और कंपेयर्ड, ओरिजिनल के साथ कंपेयर्ड की गई है. ठीक है, सॉरी, कोर्ट को हमने ओरिजिनल लिखाई, कोर्ट को हमने फोटोकॉपी दे दी, कोर्ट ने कंपेयर करके अपने पास फोटोकॉपी रख ली, काम चल जाएगा. ओरिजिनल को देखकर कोई कॉपी बनाई गई है. फिर इसमें फोर्थ इंपॉर्टेंट रहता है, स्टार प्रोविजन है, एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट. ऊपर वाले में प्राइमरी एविडेंस उसके खिलाफ होता है जो जिसने खुद एग्जीक्यूट किया है. सेकेंडरी एविडेंस उसके लिए बन जाता है, काउंटर पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट इज अगेंस्ट द पार्टी हु डिड नॉट साइन इट. अगेंस्ट द पार्टी हु डिड नॉट साइन इट, जिसने साइन नहीं किए, येट हु डिड नॉट एग्जीक्यूटेड इट. आप वर्ड यहाँ पे साइन से कंफ्यूज मत होना, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज एग्जीक्यूट लिखना. फिफ्थ क्या है इसमें, अब कई बार ऐसा होता है, ये बात हमने पढ़ा कि कई चीजों का ओरल एविडेंस दिया जा सकता है. ओरल अकाउंट ऑफ द कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय द पर्सन हु हैज हिमसेल्फ सीन इट, हिमसेल्फ सीन इट. ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है इस वाले का? देखो, मैंने आपको बताया था कई बार क्या होता है, टेस्टिटर मतलब क्या, नहीं मतलब वो विटनेस वाला हो सकता है कि अगर विटनेस नहीं है तो उसने किसी को. देखो, उसको ऐसे समझते, जैसे ए और बी के बीच में एक प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन हुआ था पास्ट में कोई. ठीक है, अब ओरिजिनल भी लॉस्ट हो गया और फोटो कॉपी भी नहीं है. ठीक है, लेकिन कोई इंसान तो होगा जिसने इसको डॉक्यूमेंट को हिमसेल्फ सीन है, उसने खुद देखा होगा, उसकी गवाही ली जा सकती है, तब ओरल एविडेंस के तरफ मूव कर. कई बार ऐसी सिचुएशन आती है हमारे पास. देखो, अब मैंने इसका एग्जांपल दिया था, कई बार हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो डॉक्यूमेंट्री करते हैं या फिर ओरल करते हैं. कई बार डॉक्यूमेंट्री नहीं किया है तो फिर हम उसका ओरल एविडेंस दिया जा सकता है, और वो ही देगा इंसान जिसने खुद उसको देखा है, हिमसेल्फ सीन इट, डॉक्यूमेंट को देखा था लेकिन डॉक्यूमेंट है नहीं, अवेलेबल नहीं. और इस सेक्शन 63 के जो ओरल वाली बात है उसको हम 65 में भी पढ़ते हैं. सेक्शन 64 में हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 64 जो है सेक्शन 64 में डॉक्यूमेंट से दोगा, प्राइमरी एविडेंस से दोगा, ये एक बेसिक रूल है. डॉक्यूमेंट हैज टू बी प्रूव विद द प्राइमरी एविडेंस, बट अगर प्राइमरी नहीं है तो दैट कैन बी प्रूव बाय द सेकेंडरी. सेकेंडरी की भी कंडीशंस हैं. अब कौन कौन सी कंडीशन है वैसे हम लिख चुके हैं, दोबारा रिपीट कर लेता हूँ शॉर्ट में. किसी डॉक्यूमेंट का होना, कि वो डॉक्यूमेंट था, उसी कंडीशन या उसी कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट सिद्ध की जा सकती है. फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे सिद्ध की जाएगी, सेकेंडरी एविडेंस से. कौन से सिचुएशन में, जब ओरिजिनल जो है किसी के पोजीशन या पावर में, पोजीशन और पावर को पीपी लिख रहा हूं मैं, इन एडवर्स पोजीशन में है, एडवर्स पार्टी के पास है, या फिर आउट ऑफ रीच है.
नॉट सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, कोर्ट मंगा पाएगी. Not subject to the process of the court, a person legally bound to produce it. Okay, ये चीज़ एक बार बेरेक से पढ़ लेना, short में लिख रहा हूँ मैं क्योंकि when existence, condition, content have been proved to be admitted in the writing by. अच्छा यहाँ पर अब writing में admit कर चुका है, going going on. Writing में admit कर लिया है दूसरी पार्टी ने. तो इस बात को सिद्ध करने के लिए वो राइटिंग दिखानी पड़ेगी कि हाँ देखो राइटिंग में एडमिट हो गया है. थर्ड में क्या लिखा है, कोई डॉक्यूमेंट है जो डिस्ट्रॉय हो चुका है या लॉस्ट हो चुका है तो सेकेंडरी एविडेंस से काम चलाया जा सकता है. फोर्थ क्या है, नॉट इजिली मूवेबल, नॉट मूवेबल, इतना भारी भरकम है, मूवेबल. ठीक है. फिफ्थ क्या है, कोई एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो ऑफकोर्स उसकी ऑथेंटिसिटी ज्यादा है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी भी ली जा सकती है. एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, सेकेंडरी एविडेंस से हो जाती है. एफआईआर की कॉपी जो होती है पब्लिक डॉक्यूमेंट है या नहीं है, एफआईआर की कॉपी चार्जशीट पब्लिक डॉक्यूमेंट है क्या, यामनी? सर आई डोंट नो. हाँ जी सर, आई हैव नो आईडिया. जब चार्जशीट फाइल हो जाती है ना, जब चार्जशीट कोर्ट में फाइल होगी देन इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट. अदरवाइज फाइलिंग से पहले चार्जशीट जो है वो एक तरीके का सीक्रेट डॉक्यूमेंट है. ओके. जैसे ही फाइल हो जाएगी ना कोर्ट में देन इट मे इट कुड बी अ पब्लिक डॉक्यूमेंट. अच्छा एफआईआर पब्लिक डॉक्यूमेंट है क्या? एफआईआर को तो आपको पता होगा कितने घंटे के अंदर ऑनलाइन डाल देना चाहिए, 24 आवर. ये आप मुझे बता दो, मैं आपको मैसेज भेजा था शायद कल परसों, उसमें पढ़िए केस भी लिखा हुआ है ना, उसमें केस का नाम भी याद कर लेना. जी सर. सिक्स्थ में क्या लिखा है, सेकेंडरी परमिट बाय एविडेंस. ठीक है, लॉ में अगर सर्टिफाइड कॉपी अलाउड की गई है किसी की, सर्टिफाइड को सीसी मैंने लिख दिया. सेवन्थ में क्या है, जब न्यूमरस अकाउंट है, इतने भारी भरकम अकाउंट्स बने हुए हैं, जैसे लेजर बुक हो गई, कोर्ट में लाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा, कोर्ट पूरा टाइम खराब कर देगी तब भी नहीं समझ में आएगा, तो इसलिए कई बार रिपोर्ट होती है उससे काम चल जाता है. सर ये आपने एफआईआर वाला क्या एग्जांपल बताया था सर, मैं पूछ रहा था आप लोगों से कि एफआईआर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है या नहीं है. यस सर, एफआईआर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है ऑनलाइन जैसे ही आ जाता है, और चार्जशीट जो वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है द मोमेंट इट्स बीन फाइल्ड, जैसे फाइल करते हैं. हम ये अगर आपने लिख लिया है तो मैं सेक्शन 65 पे कुछ और इम्पोर्टेंट बातें वो करते हैं. यस सर, हो गया. अब ये सेक्शन जो है हमारा 65 से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं वो भी लिख लेते हैं. सेकेंडरी एविडेंस ना सिर्फ तभी दिया जाएगा जब फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी एविडेंस जो है ना, प्राइमरी एविडेंस अपने आप में एडमिसिबल होना चाहिए. अगर प्राइमरी ही एडमिसिबल नहीं है तो सेकेंडरी नहीं दे सकते. और मैंने आपको एक बताया था जब पब्लिक डॉक्यूमेंट की बात करेंगे ना, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को लेकर, तो पब्लिक डॉक्यूमेंट में के केस में सर्टिफाइड कॉपी चल जाती है, क्योंकि पब्लिक डॉक्यूमेंट हर डॉक्यूमेंट के अपने आप में ऑथेंटिकेट है, तो उसमें सर्टिफाइड कॉपी से काम चल जाता है. अच्छा एक बात बताइए, जैसे आपने, मैं आपको केस बताता, बड़ा इंपॉर्टेंट केस था और शायद आप सबको याद भी होगा, एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत संधू, केस याद है? नवजोत संधू 2005 का एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत संधू का जो केस है, इसमें आप ये बताइए कॉल रिकॉर्ड जो होती है, कॉल रिकॉर्ड्स ऑफ सेलुलर फोन,
वो जनरली कहाँ स्टोर होती है, सर्वर में स्टोर होती है। अब कोर्ट में हम सर्वर उठा के तो लाएंगे नहीं, सर्वर तो बहुत बड़ा होता है। क्या इस बात का, इस सर्वर को लेकर के कॉल रिकॉर्ड जो है ये टेम्पर्ड नहीं है, नॉट टेम्पर्ड, सर्वर को लेकर के जो कॉल रिकॉर्ड हुई है ये टेम्पर्ड नहीं है, डॉक्ट्रेटेड नहीं है। अब कोर्ट में सर्वर तो उठा के नहीं ला सकते, सर्वर तो भारी होता है, हैवी है, मूवेबल नहीं है, तो क्या बात का सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है? और सेकेंडरी एविडेंस कौन देगा? सेकेंडरी एविडेंस दिया जाएगा सेक्शन 65 के बी में, जो एग्जामिनर है ना, जैसे फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अंदर जो एग्जामिनर है जिसने उस बात को ये जस्टिफाइड किया, जिसने ये बात को जस्टिफाइड किया होगा कि जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की जो रिपोर्ट आई होगी जिसमें ये बात कही गई होगी कि जो बात हुई है ए और बी के बीच में जो बात हुई है, जो रिकॉर्ड हो गई है सर्वर पर, वो ऑथेंटिकेटेड है, तो इसका सर्टिफिकेट इशू होता है। ठीक है, जैसे सपोज कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है जो हमने पेन ड्राइव में रिकॉर्ड कर वहां भेजा, लेबोरेटरी में भेजा, लेबोरेटरी ने अपनी जो रिपोर्ट दी उसका सर्टिफिकेट इशू होता है। ठीक है, तो वो जो सर्टिफिकेट हुई है वो अपने आप में एविडेंस मान लिया जाता है, तो इस बात को इस तरीके से सिद्ध किया जा सकता है कि वो डॉक्टरेटेड नहीं है। तो सेकेंडरी एविडेंस कैन बी गिवन व्हेन द सर्वर कैन नॉट बी ब्रिंग बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने नहीं लाया जा सकता ना, इट इज नॉट इजीली मूवेबल, एंड देयरफॉर द सेकेंडरी एविडेंस कैन बी गिवन इवन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। एक बात और बताइए, चलो अलग हटके बात पूछता हूँ मैं, जो गिफ्ट डीड होती है, गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? यस सर, 100 रुपए से ऊपर का गिफ्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए जनरली। अगर वो रजिस्टर्ड ही नहीं है तो क्या इस बात की एविडेंस दी जा सकती है? तो पहली बात, जब 100 रुपए से ऊपर का गिफ्ट अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो इनएडमिसिबल हो गया ना वो, तो जो अपने आप में इनएडमिसिबल है क्या सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है उसका? तो नो सेकेंडरी एविडेंस कैन बी गिवन। जो एडमिसिबल ही नहीं है, कोर्ट मानेगी नहीं, तो उस बात का भी हम सेकेंडरी एविडेंस नहीं दे सकते। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात लिखी है आपके पेरेक्ट में ही ना, सेक्शन 65 के नीचे लिखा, व्हेन अटेस्टिंग विटनेस नॉट नेसेसरी, इन केस डॉक्यूमेंट इज रजिस्टर्ड, अगर कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है, अगर कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है अगर कोई डॉक्यूमेंट अपने नाम में रजिस्टर्ड है सिर्फ वसीयत को छोड़कर, एक्सेप्ट वसीयत, अगर कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है तो क्या उसका जो है उसको कैसे सिद्ध किया जाएगा? ये अटेस्टिंग विटनेस पे लिखे है, ठीक है, अटेस्टिंग विटनेस पे भी हम बात करेंगे, वैसे तो टाइम ज्यादा हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया टाइम, एक तो मैं अटेस्टिंग विटनेस पे कराता आज। अगर डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है अपने नाम में तो अटेस्टिंग विटनेस को कोर्ट में लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट अटेस्टेड है, रजिस्टर्ड है, देन इट्स नॉट नेसेसरी, बट हाँ विल के केस में लाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा है, इन केस द डॉक्यूमेंट इज रजिस्टर्ड देन एक्सेप्ट इन द केस ऑफ विल इट इज नॉट नेसेसरी टू कॉल एन अटेस्टिंग विटनेस अनलेस द एग्जीक्यूशन हैज बीन स्पेशली डिनाइड बाय द पर्सन बाय हुम इट इज प्रॉपर टू हैव बीन एग्जीक्यूटेड। लेकिन जिस इंसान ने एग्जीक्यूट किया है उस डॉक्यूमेंट को, जिसने बनाया है, वही अगर ये कहता है कि मैंने ऐसा डॉक्यूमेंट कभी नहीं बनाया, देन ओनली अटेस्टिंग विटनेस कैन बी कॉल्ड बिफोर द कोर्ट। ठीक है, ये अटेस्टिंग विटनेस की बात हम ऐसे बाद में ही करेंगे, कल ही करेंगे, आज तो नहीं हो पाएगा, बड़ा टॉपिक है वो भी, इतना बड़ा भी नहीं, आधे घंटे का टॉपिक रहेगा। तो एक लेसन आपका, हाँ जी बोलिए। तो ये गिफ्ट डीड वाले में सर ये क्या बोला था, मैं लिख नहीं पाई, जो गिफ्ट डीड
गिफ्ट डेट होता है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, 100 रुपए से ऊपर का जो गिफ्ट होता है ना जनरली वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो कोर्ट एडमिसिबल भी नहीं मानेगा। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, अगर ज्योति एडमिसिबल भी नहीं है, एडमिसिबल है ही नहीं, तो उसका सेकेंडरी एविडेंस क्यों देंगे हम, जो डॉक्यूमेंट ही नहीं बनाया तो एविडेंस नहीं दिया जाएगा। ठीक है। चलो बाकी मैं 65 और 65A और B भी कर लेते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। 65A और 65B में क्वेश्चन दो बनते हैं, एक तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है। 65A में आपसे पूछा जाएगा ये कब ऐड हुआ, ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो 2000 के अंदर जब IT एक्ट आया तभी ऐड हुआ। अब इसका टाइटल का नाम क्या है, स्पेशल प्रोविजन एज टू एविडेंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, स्पेशल प्रोविजन एज टू एविडेंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो जो कंटेंट है ये कहता है कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, आपने फेसबुक या व्हाट्सएप के मैसेज हो गए या फिर आपकी कॉलिंग हो गई, वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है, उसके कंटेंट को सिद्ध किया जा सकता है। कैसे सिद्ध किया जाएगा, अंडर सेक्शन 65 के बी के तहत, अंडर सेक्शन 65 के बी के तहत इसको सिद्ध किया जा सकता है, इट कैन बी प्रूव्ड। कैसे सिद्ध होगा, सेक्शन 65 में बात की गई है एडमिसिबिलिटी, एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। 65 में एक आ गया है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को लेकर स्पेशल प्रोविजन बनाए गए हैं कि कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ठीक है, या हमने कोई CDR में कॉल रिकॉर्ड की हुई है या वीडियो रिकॉर्डेड है, ठीक है, वीडियो फुटेज है, इसको कैसे सिद्ध किया जाएगा, इट कैन बी प्रूव्ड अंडर सेक्शन 65B। अब 65B में क्या होता है इसका प्रोसेस में बता देता हूँ, बेरेट से आप पढ़ लेना, सिर्फ जितना जरूरी है मैं उतना पढ़ाऊंगा, इसमें आप बाकी बेरेट से इसको पढ़ लेना। इसका प्रोसेस क्या है, जो जैसे सपोज करो ये कोई कंटेंट है, कोई मोबाइल फोन है, इसको हम कहाँ भेज देते हैं, फॉरेंसिक भेज देते हैं। फॉरेंसिक स्टेट में बनी हुई, दिल्ली के अंदर भी है, कलकत्ता के पास है, बाकी चंडीगढ़ में, हर स्टेट में होती है मैक्सिमम, तो वहाँ फॉरेंसिक भेज देते हैं। फॉरेंसिक में ये बात की पुष्टि की जाती है कि जो जो जैसे कॉल रिकॉर्डेड है वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, टेम्पर्ड तो नहीं है, तो उसका एक सर्टिफिकेट बन के आता है, ठीक है, सर्टिफिकेट बन के क्या, एक पेपर पे वो एग्जामिनर ये लिख देता है कि इट इज नॉट डॉक्टरेटेड एंड इट हैज बीन, क्या नाम है, इसको सील कर दिया गया था, मेरे द्वारा ही ओपन किया गया, मेरे द्वारा ही सील किया गया, इस टाइम पे मैंने खोला, इस टाइम पे मैंने इसको ड्रॉप किया, और अल्टीमेटली वो कोर्ट के सामने फिर ओपन होती है। तो जो सर्टिफिकेट है वो अपने आप में एक एज एविडेंस यूज किया जाता है कि ये डॉक्टरेटेड नहीं है, ठीक है। तो 65 में सिर्फ इतनी सी बात है, तो एग्जामिनर है, एग्जामिनर की जो डॉक्यूमेंट है वो अपने आप में एक एविडेंस के रूप में लिया जाता है, ठीक है। सर्टिफिकेट आइडेंटिफिकेशन होता है यहाँ पे, जिसमें वो ऑफिसर है वो साइन करता है कि हाँ ये जो डॉक्यूमेंट है या ये रिकॉर्डेड जो है वीडियो रिकॉर्डेड डॉक्टरेटेड नहीं है, उसी इंसान की वॉइस है, उसी इंसान का चेहरा है, ऑथेंटिसिटी देते हैं और उसका सर्टिफिकेट इशू करते हैं, जिसे कोर्ट में सिद्ध किया जा सकता है उस सर्टिफिकेट के द्वारा। जैसे कुछ पेन ड्राइव में कुछ चीज है, मोबाइल में स्टोर कर रखी है, प्रिंटेड पेपर है, रिकॉर्डेड है, जिसकी कंप्यूटर में हो गई, जैसे कंप्यूटर के अंदर भी रिकॉर्डेड है ना, कंप्यूटर उठा के ले जाएंगे पूरा, आपने देखा होगा कई बार जैसे जो सोशल इकोनॉमिक ऑफेंस करते हैं तो कंप्यूटर में डिटेल रखते हैं सारा, तो पूरा का पूरा कंप्यूटर उठा के लेके चले जाते हैं, तो कंप्यूटर की जो डॉक्यूमेंट्स जो कंटेंट मिला उसके लिए वो 65B के अंदर एक सर्टिफिकेट देते हैं कि इसके अंदर हमें ये चीज मिली, तो दैट इज आल्सो एडमिसिबल इन द कोर्ट। अब एक बार 65 को मैं आपको ऊपर से ही दिखा देता हूँ वो क्या कहता है, स्पेशल प्रोविजन एज टू एविडेंस रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, द कंटेंट अंदर जो उसके अंदर कंटेंट है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के अंदर मे बी प्रूव्ड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 65B, सेक्शन 55 के बी के तहत सिद्ध किया जा सकता है। अब सेक्शन 55 का मैंने आपको क्रक्स बता दिया, एक बार आप पढ़ लेना है इसको, ठीक है। यामिनी अर्चना, यस ओके सर, यस सर, ठीक है, पढ़ लेंगे।
हाँ जी बताइए यामिनी अर्चना क्या एक बार 65 को बी को पढ़ो क्योंकि इतना बड़ा सेक्शन है इसमें कुछ है नहीं। हाँ ये सर बोला सर पढ़ लेंगे सर क्वेश्चन आएगा एडमिसिबिलिटी यानी सर्टिफिकेट की बात जो की गई है ना ये अथॉरिटी सर्टिफिकेट देते क्या इसमें जो चीज थी वो कंटेंट थी वो ठीक थी जेन्युइन थी और हमने इसको प्रॉपर टाइम में सील किया स्टोर किया और हम इसको फिर वो साइन करके एग्जामिनर भेज देता है कोर्ट उस पर एडमिट कर लेती है उस बात को। ठीक है तो 65 बी में एडमिसिबिलिटी किस तरीके से कंटेंट को सिद्ध किया जाएगा वो 65 बी में है क्वेश्चन एमसीक्यू का ही आता है पूरा नहीं आता इस पे। ठीक है एक बार इसको पढ़ लेना क्योंकि बड़ा है इतना ज्यादा रिपीट करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी आप इसको पढ़ लीजिए एक बार। अब यहाँ से 66 से लेकर 66 से रिलेटेड ये हम अब कल कर लेंगे 8 बज गए ढाई घंटे क्लास हो गई है तो थोड़ा सा ये कंटेंट भी प्रूव हो जाएगा और अटेस्टेशन कैसे सिद्ध होता है 73 आसान से है लेकिन चलो फिर कल करेंगे इसे कंटिन्यू करेंगे आप कम से कम इसको कहां तक पढ़ के आ जाए एक सेकेंड आप पढ़े 66 से आप पढ़ लीजिए लगभग वैसे तो आप 90 तक ही पढ़ लीजिए ज्यादा ठीक रहेगा सारा पैरेट है कोई लीडिंग केस लॉ तो है ना पब्लिक डॉक्यूमेंट को लेते भी तो आप 90 तक पढ़ लीजिए कोशिश करते हैं कल खत्म करने की 98 तक अगर हो जाए